नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है, वहाँ पर शेयर जरूर कर दिया करें, है ना। सो डेट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। बच्चे जब लाइक कमेंट और शेयर करते तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके पास कंटेंट आ पाता है, आप देख सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सोडेट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पर साथियों मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा साथियों बच्चा बोलते हैं सर जो पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ मिलेगी, तो साथियों जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्लास की मिलती है वो आपको सब गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेली कोई आपको यहाँ पर मिलेंगी ई बुक वगैरह, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल आपको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर करंट अफेयर वगैरह की मैं जल्दी ही आपके लिए ई बुक वगैरह लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी साथियों विज्ञान चालीसा भी ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके रेलवे एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 10,000 से ज्यादा टेस्ट, यहाँ पर लगभग 12,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको, और इसमें दोस्तों 300 से ज्यादा फ्री टेस्ट है, जिसको फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपना इसको पता लग जाएगा आपका क्या स्कोर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, बाकी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि केवल 499 रुपए में आपको दी जा रही है, ठीक है भाई। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग आपसे स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इतिहास है। इतिहास में दोस्तों बिल्कुल हम स्टार्टिंग से आपको कराएंगे, पहले प्राचीन आता है, फिर मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आपका पूरा स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा। फिर पॉलिटी दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस वही आपको बताए जाएंगे, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। दोस्तों एसएससी के लिए ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूरा कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 2017 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो दोस्तों एसएससी सीजीएल में हाल ही में पैटर्न चेंज हो गया है, दोस्तों आपको अब जीके पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना हो, क्योंकि दोस्तों जीके ही आपको अच्छा सिलेक्शन दिलाएगा, अच्छी रैंक दिलाएगा, ठीक है। प्री और मेंस में दोस्तों जीके का खेला हो गया अच्छा खासा, तो आपको जीके पर भी फोकस करना है। बच्चा एक टाइम मान लीजिए भाई, जीके पर हम 1 घंटा या 2 घंटे समय देंगे तब बच्चा आपका सिलेक्शन होगा। बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए तभी आपका आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ईमानदारी से। अब यार ऑफलाइन में क्या होता है भाई, ऑफलाइन में तो यार अपन बच्चे को देख लेते हैं सामने कि बच्चा ये गलत दे रहा है क्या दे रहा है, तो पता लग जाता है, लेकिन बच्चा ऑनलाइन में चीज़ें नहीं समझ में आती, तो बच्चा आपको ईमानदारी से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ईमानदारी से देना है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, ईमानदारी से बताना है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप बताइएगा, मैं आपको सब क्लियर करूंगा बारी बारी से, ठीक है। और बाकी दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर है, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। दोस्तों बेस्ट तरीका यही होता है आप पेन और पेपर लेके बैठे। दोस्तों जो पुराने बच्चे वो जानते हैं मेरी क्लास का रूल है, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए जीके का, जिसमें दोस्तों आपको बस पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, आपको बिल्कुल लास्ट तक लिखना है भाई कितने क्वेश्चन सही हैं, और उस पर जो सही होगा उस पर टिक कर लीजिए, जो गलत होगा उस पर कट्टस कर लीजिए ईमानदारी से। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों देखिए मैं जैसा कि आप जानते हैं मेरी हमेशा से गुरुकुल प्लस परिवार आपको कम समय में दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए जाना था, मैं आपको हमेशा से कोशिश करता हूँ आपको कम आपका टाइम ज़्यादा कम बर्बाद करूँ और आपको ज़्यादा जानकारी दूँ। दोस्तों देखिए मैं आपको कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगा कि आपका टाइम बर्बाद एक एक घंटे दो दो घंटे की मैं कहानी सुनाऊँ। दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बस वही आपको बताए जाएंगे, ठीक है। नो डाउट आपको जो इंपॉर्टेंट बस वही बताए जाएंगे, आपको जीके में बहुत अच्छी तरीके इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आपको वो नहीं बताया जाएगा कि भाई जो आपके जिससे कोई लेना देना नहीं है, अकबर की नानी कौन थी, अकबर की नानी का मायका क्या था, ये भाई ये हम आपको ये सब चीज़ नहीं बताएं, जो आपकी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, और जितने भी जो नोट्स वगैरह मैं जो आपको समझाऊंगा वो सबकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एक हमारा जो इसका कंप्लीट कोर्स भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आपसे बच्चा बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में यार इतिहास का आखिर जनक कौन है, बिल्कुल मैं आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही आपको बताएंगे। इतिहास का जो दोस्तों जनक है लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं सब आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा आप। इतिहास का दोस्तों जनक था आपके हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, और जिन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी है, इनकी पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है इन्हें, जो पुस्तिका लिखी हिस्टोरिका नामक किताब लिखी है, ठीक है। और ठीक है अब दोस्तों इतिहास में आपका प्रागैतिहासिक, सबसे पहले पुराना काल था प्रागैतिहासिक काल,
प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड खैर आपको करा दूंगा, नो डोंट वरी दोस्तों। दोस्तों हमारा पूरा आपका प्रयास जीके में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर फुल मार्क्स इसको करवा सके, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों वो काल था इसमें कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं थी और मानव का जीवन इसमें सभ्य नहीं था, इस ये प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। इसमें मानव नहीं जीवित थे, मतलब मानव का जीवन सभ्य नहीं था और इसमें कोई भी लिखित सामग्री इसकी नहीं है। ये जो तीन भागों में बांटा गया है, ये जो काल है आपका तीन भागों में बांटा गया है। और पहले आपका आता है दोस्तों पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल है। दूसरा आपका दोस्तों नवपाषाण काल है। तीसरा दोस्तों आपका है कौन सा, मध्यपाषाण काल, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऊपर नीचे कुछ भी कर लो। यहाँ से आपको और अच्छे से मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, रुको। देखो नवपाषाण काल यहाँ कर लो, मध्य के बाद तो एक ही है यार, है ना। देखो दोस्तों दूसरा आपका है मध्यपाषाण काल, मध्य बीच में आता है मध्यपाषाण काल। और तीसरा आपका दोस्तों नवपाषाण काल। दोस्तों राइटिंग इतनी खास नहीं है, मैं नोट्स वगैरह आपको कर प्रोवाइड करा दूंगा इस सब के। और पुरापाषाण काल दोस्तों अज्ञात काल से लेकर, अज्ञात काल जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं, अज्ञात काल से लेकर आपका 8000 BC तक का काल था, 8000 BC तक का काल था। और जो मध्यपाषाण काल था दोस्तों आपका ये 8000 BC से लेकर 4000 BC तक का काल था, ठीक है। और नवपाषाण काल जो 4000 BC, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से दोस्तों यहाँ से 3000 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा टाइम बता रहा हूँ, 2500 BC तक का एक काल था, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम आग का आविष्कार की बात करें तो आग का आविष्कार दोस्तों पुरापाषाण काल में ही हुआ है। यहाँ पर आपका आग का आविष्कार हुआ था यहाँ पर आग का आविष्कार तो हुआ ही हुआ है। साथ में दोस्तों आपका यहाँ पर जो मानव का जो जीविका का जो मुख्य आहार, मतलब जो जीविका का मुख्य आहार था वो शिकार था। मनुष्य यहाँ पर शिकार करना सीख गया था, शिकार करके खाने लगा था, ठीक है, हंटिंग करके खाने लगा था। और दोस्तों अगर मध्यपाषाण काल में खैर इतना कुछ खास नहीं हुआ, नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ, पहिए का आविष्कार हुआ एग्जाम में आता है, ये पहिए का आविष्कार कौन से काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ, जिसका कार्यकाल 4000 BC से लेकर 2500 BC तक रहा है। और घर बनाने की आवृत्ति भी इसी में आई है, लोगों ने घर बनाए। और कृषि का आविष्कार दोस्तों यहीं इसी में हुआ, खेती लोग करने लगे थे, ठीक है। इस काल में नवपाषाण काल से ही खेती स्टार्ट हुई। और सबसे पहले दोस्तों जो सर्वप्रथम था, सबसे पहला था पालतू पशु कौन था, एग्जाम में आएगा भी, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू पशु पाला, तो पालतू पशु दोस्तों आपका था कुत्ता, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पाला, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें धातु का प्रयोग, सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया गया, तो ये तांबा का प्रयोग किया गया। यहाँ दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनेंगे। और बोई गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो सबसे पहले बोई गई गेहूँ थी आपकी, ठीक है। और ये सब दोस्तों मैंने आपको सब बता दिया है पूरा काल, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का पहला युग का क्या था, मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली इसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं, दूसरा युग मध्यपाषाण काल, तीसरा काल आपका नवपाषाण काल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पुरापाषाण काल राइट आंसर होगा, जिसका टाइम पीरियड था अज्ञात काल से लेकर 8000 BC तक का इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप लोग, और किसी प्रकार का डाउट हो वो भी बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन इजीली सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। साथियों इसका कंप्लीट पेड कोर्स है, जो कि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें आपको PDF भी मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगी, जिसको आप दोस्तों ले सकते हैं, बहुत ही नामा शुल्क में आपको डिस्काउंट पीरियड में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं, बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गलत आवासों के प्रमाण हैं, ठीक है। इनमें से आगे किस पुरातात्विक स्थल पर गलत आवासों के प्रमाण हैं, ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलझोम, आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलझोम। बेसिकली ये श्रीलंका शहर का पुरातात्विक महत्व वाला ये एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है बोलझोम, जो कि श्रीलंका में आपका मतलब श्रीनगर में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बोझोम नवपाषाण युगीन स्थल, बोझोम जो कि आपका श्रीनगर में, और बेसिकली जो साथियों बोझोम ये आपका नवपाषाण युगीन स्थल आखिर कहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और
ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर में आपका स्थित, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। दोस्तों मेहरगढ़ जो कि नवपाषाण काल की बस्ती थी, जिसका कार्यकाल 4000 BC से लेकर 2500 BC तक का काल चला इसका, और ये आके पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो ये आपके पाकिस्तान में, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ स्थित है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित। दोस्तों पुरातात्विक स्थल जो कि इनाम गांव है, कहां पर स्थित है इनाम गांव, वही बताओ कि कहां पर स्थित है। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताइए इनाम गांव दोस्तों कहां पर स्थित है। तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव है, ये आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पुरातत्व स्थल आपका कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। ये आपका SSC MTS 13/8/2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपका पुरातत्व स्थल जो कि आपका कोल्डी हवा है, ये आपका दोस्तों बेसिकली स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इलेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की यानी कि खोपड़ी पाई गई थी, कहाँ पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हथनोरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हथनोरा को आप टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, और हथनोरा मध्य भारत में दोस्तों नर्मदा घाटी के एक बेसिकली गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो साक्ष्य है वो हमें 5 दिसंबर 1982 को मिला है। चलिए हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की, हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों प्रसिद्ध जो डांस करती हुई लड़की है, और जो कि डांसिंग गर्ल स्लैश की सभ्यता का उपयोग करके बनाई गई है। जो डांसिंग गर्ल है आखिर किस मतलब किसकी सामग्री का उपयोग करके बनाई गई, किस धातु की बेसिकली बनाई गई है डांसिंग गर्ल, ठीक है दोस्तों। अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी, देखो आपको 2-4-5 पॉइंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जिसका कार्यकाल दोस्तों आपका रहा था 2500 BC से लेकर और 1750 BC तक का रहा था। जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे सुनिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कांस मतलब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यहाँ के लोगों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि बनाई थी, इसलिए हम इसको काल को मतलब कांस युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। आपका बेसिकली यहाँ पर जो तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया था इस बेसिकली आपकी सभ्यता में, ठीक है। और सिंधु जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी किसने भाई, तो आपकी राय बहादुर दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम सैनी जी ने खोज की थी। चलिए अब दोस्तों को मैं बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की दोस्तों सामग्री ये आपकी कांसा की बनाई गई, क्योंकि वहाँ पर कांसा का प्रयोग होता है, इसलिए दोस्तों हम इसको कांस युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मानव ने कांसा यहीं पर खोजा था, ठीक है, कांसा बनाने की विधि यहीं से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल जो कि देमावाद है, या कि किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों देमावाद की अगर हम बात करें तो देमावाद दोस्तों आपका ये बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, क्या बात है। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेबरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल जो कि देमावाद है, ये गुलाबी नदी की सहायक जो कि प्रेबरा नदी है उसके तट पर स्थित है, जो कि भारत का महाराष्ट्र राज्य के जो कि महाराष्ट्र का राज्य है उसमें आपका अहमदनगर जिले में स्थित है ये साइड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेबरा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, इनमें से कौन सा दोस्तों हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में स्थित है। चलिए जल्दी से बताइए,
तो दोस्तों बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद। अभी मैंने आपको हाल ही में बताया दैमाबाद ये आपका भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई, आखिर में से कौन सा स्थल इसकी खोज सबसे पहले की गई, ये आपका एसएससी जेई में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन 26/9/2019 को। ठीक है कि कौन से स्थल की खोज सबसे पहले की गई, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें किसकी खोज की गई, सबसे पहले दोस्तों आपकी खोज की गई बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या जो दोस्तों आपका हड़प्पा स्थल है, दोस्तों हड़प्पा स्थल है ये आपका कहाँ पर मिला था, ये आपका पाकिस्तान में मिला था, पाकिस्तान में स्थित है, और ये आपका दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है ये आपका हड़प्पा स्थल। ठीक है अगर हम दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो ये आपका ये भी पाकिस्तान में है ये साइट, और जो कि दोस्तों आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या, चलो भाई सबसे पहले आपका हड़प्पा स्थल खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको यार, देखो हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में की गई किसके द्वारा, दयाराम सैनी जी द्वारा की गई। ठीक है और दोस्तों दयाराम सैनी ने इसका खोज किया था और जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सैनी। ठीक है चलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, चलो निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, कि इनमें कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से हल्का टेराकोटा हमें प्राप्त हुआ, तो दोस्तों हल्का जो टेराकोटा है ये हमें बेसिकली प्राप्त हुआ बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा बनावली, बनावली से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, एक बनावली जगह स्थल है वहाँ से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या, दोस्तों बनावली आपका हरियाणा में स्थित है, बच्चा अगर हम बनावली की बात करें ये आपका हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में आपका रंगोई नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है आपका ये स्थल बनावली। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, आखिर में से कौन सा हड़प्पा केंद्र के बारे में हम जानते हैं कि इसका सीधा मेसोपोटामिया के साथ सीधा इसका समुद्र व्यापार था। ठीक है चलिए जल्दी से बताइए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, फटाफट से दीजिए यार, है ना। चलिए चलिए भाई जल्दी से बताइए, चलिए क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या बात है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। दोस्तों जो हड़प्पा केंद्र बेसिकली जो लोथल जो स्थल है इसका कहा जाता है इसका सीधा मेसोपोटामिया सीधा समुद्री व्यापार था, क्योंकि दोस्तों एक बंदरगाह था लोथल। ठीक है लोथल आपका एक बंदरगाह था और सीधा व्यापार होता था यहाँ से, और लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, और ये आपका दोस्तों जो इसके पास में कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका भोगबा नदी के तट पर स्थित है लोथल स्थल, भोगबा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है भोगबा नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर हमें एक बंदरगाह लोथल दोस्तों हमें बेसिकली एक बंदरगाह मिला है, एक बंदरगाह मिला है यहाँ से, और हमें बेसिकली यहाँ से दूसरा दोस्तों हमें यहाँ से मिला है क्या, चावल के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, और काऊ के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले हैं, और मिट्टी से बने एक घोड़े की बेसिकली आपकी एक प्रतिमा भी प्राप्त हमें यहाँ से हुई है, घोड़े की एक प्रतिमा हमें लोथल से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लोथल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है और क्योंकि उसने बंदरगाह था। ठीक है और यहाँ से मेसोपोटामिया इसका सीधा समुद्र व्यापार था। ठीक है मेसोपोटामिया सीधा यहाँ से समुद्र व्यापार होता था और जो कि भोगबा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है चलिए, हड़प्पाई स्थल मांडा, हड़प्पाई स्थल जो कि मांडा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, दोस्तों मांडा आके किस नदी के किनारे स्थित है, साथियों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है मांडा के बताइए आके किस नदी के किनारे स्थित है, जो मांडा जो आपका स्थल है ये आके किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट से बताइए फटाफट से बताइए आप लोग, है ना है ना। चलिए जल्दी से बताइए भाई, क्या बात है बिल्कुल सही चलिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका, दोस्तों मांडा है ये आपका चिनाब नदी किनारे स्थित है।
ठीक है, ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडा भी सीखिए दोस्तों, आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक स्थल है जो कि आपका चिनाब नदी, वहाँ जम्मू से चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी वहाँ से निकलती है, तो आपका चिनाब नदी के आपके दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मांडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही आपको बताया जा रहा है, कोई भी फालतू का ज्ञान आपको जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए दोस्तों मैं आपको भी बेसिकली हमारा प्रैक्टिस पूरा बैच है जिसमें आपको दोस्तों मैं कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए उसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, सूरत में आपके लिए डिटेल में एक पेड कोर्स लॉन्च करूँ या फिर आपके लिए पूरा सेशन में सीरीज लॉन्च करूँ। ठीक है, आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। चलिए, निम्नलिखित में किस स्थल पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते, जो दोस्तों बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी कि पुरातत्वविदों यानी कि जिनको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें 5 जंगली कुत्ते मिले हैं उस जगह से, और 12 सिंगों के सिंह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी, कौन सी जगह थी दोस्तों जहाँ से 5 जंगली कुत्ते प्राप्त हुए हैं, और दोस्तों और आपके बेसिकली 12 सिंह हुए, 12 सिंह के सिंह भी प्राप्त हुए हैं, वो जगह कौन सी है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोलजहोम, जो कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है बोलजहोम। यहाँ दोस्तों जो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्हें दोस्तों यहाँ से 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत बच्चा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल टायर 1 आपका 4/9/2016 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन सी, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, बताइए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जो कि ग्रेट ग्रेनरी है, जो कि जिसे हम विशाल अन्नागार, जो कि विशाल अन्नागार थी आपकी, ठीक है, और जो कि मोहनजोदड़ो की ये सबसे बड़ी इमारत है, इसको अन्नागार भी बोलते हैं, इसका नाम है दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ग्रेट ग्रेनरी है इसको हम, जो कि एक आपका जिसको हम विशाल अन्नागार कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी इमारत है, इसका नाम है ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार है। ठीक है, और चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, और मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है और ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ दोस्तों हमें मूर्ति बेसिकली एक मिली थी जो कि डांस करती हुई लेडीज की मूर्ति थी, जिसमें लेडीज डांस कर रही और कांच की वो मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, आखिर में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ पर बंदरगाह था। तो मैं आपको 5 बार बता चुका हूँ, लगभग बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल में दोस्तों बंदरगाह था, और लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है, और इसका सीधा मेसोपोटामिया में शायद इसका समुद्री व्यापार था, लोथल स्थल से व्यापार होता था क्योंकि आप बंदरगाह था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ से होता था। ठीक है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता एक आपकी कांस्य युगीन सभ्यता, दोस्तों इसके पीछे भी मैंने रीजन बताया क्योंकि मानव ने सबसे पहले यहाँ कांस्य यहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सुरकोटदा, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा बेसिकली जो पुरातात्विक स्थल है या आखिर किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइए फटाफट से। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है साथियों। जो आपका जो सुरकोटदा है बेसिकली जो आपका गुजरात राज्य में स्थित ये स्थल है। ठीक है, साइट आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, और दोस्तों ये आपकी गुजरात के कच्छ, जो आपका गुजरात में एक जगह है जो कि कच्छ का रण है। ठीक है, कच्छ जिले में आपका स्थित है सुरकोटदा साइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी खोज 1964 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का जो जगह है एक, जो कि सिंध है, पाकिस्तान के सिंध में आपका जो आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से सबसे बड़ा इमारत मिली है जो कि अन्नागार है। ठीक है, चलिए, इसकी खोज 1922 में की गई थी, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और खोज भाई खोजकर्ता कौन थे ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो दोस्तों इसके खोजकर्ता भाई कौन थे, चलिए बिल्कुल सही, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी आपकी मोहनजोदड़ो की।
ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो बंदरगाह दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपको दो तीन बार बता चुका हूँ, लोथल में आपका बंदरगाह था, इसका सीधा व्यापार मेसोपोटामिया से लोथल से होता था, जो कि आपको गुजरात में स्थित है। मैप की अगर हम बात करें तो मैप में आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और जो लोथल दोस्तों आपका भोगमल नदी के तट पर स्थित स्थल है, और यहाँ से आपका चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे, काऊ के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो आखिर में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला प्राप्त पाई गई थी? तो खगोलीय वेधशाला भाई कहाँ से प्राप्त की गई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, ये आपका SSC JEE सिविल में 23/3/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, JEE वालों के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देखिए, कोई JEE का हो, CHSL का हो, SSC दोस्तों हमेशा रिपीट क्वेश्चन करता है। JEE का एग्जामिनर CGL में रख देगा, क्योंकि यार इतिहास तो वही है ना, इतिहास तो ही ना बदल गया है ना, बच्चे होगा CHSL में थोड़ा सा, MTS में थोड़ा सा इजी पैटर्न रखेगा, और CGL में थोड़ा सा टफ रखेगा, इतना अंतर आता हल्का फुल्का। अब तो दोस्तों MTS में ही पेपर टफ आ रहा है, आप देख रहे होंगे MTS का पेपर अब CGL टायर 1 से टफ आ रहा है, उसमें MTS में आपके क्योंकि टायर 2 के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, MTS में आपके टायर 2 के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों MTS में एक ही स्टेज होनी है, फिर दूसरी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इस वजह से पेपर उसका हार्ड बनाया जाता है, और इसमें दोस्तों काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। MTS का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, एक क्वेश्चन कौन सा CGL ने पूछा गया, CHSL ने पूछा गया, ये मत सोचिए आप, ठीक है। कोई बच्चा JEE का क्वेश्चन भी एग्जामिनर CGL ने पूछ लेगा, MTS का क्वेश्चन भी आपका CGL में आ जाएगा, ठीक है, और CGL का क्वेश्चन भाई MTS में भी आ सकता है, ठीक है, तो आप इतना मत सोचिएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए, चलिए फटाफट से बताइए। दोस्तों निम्नलिखित में जाके कौन सा स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो पहली खगोलीय वेधशाला आपकी धौलबीरा गुजरात में पाई गई, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर आपका होगा धौलबीरा गुजरात। दोस्तों अगर हम दोस्तों धौलबीरा गुजरात जो कि धौलबीरा स्थल है, यहाँ से पहली आपकी वेधशाला खगोलीय वेधशाला प्राप्त की गई, जो कि गुजरात में आपका स्थल है धौलबीरा, ठीक है। और ये आपका दोस्तों कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है धौलबीरा, और इसको दोस्तों यूनेस्को ने भी शामिल कर लिया है, ठीक है, और इसकी खोज आपकी 1967 के आसपास की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जोबड़े कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोबड़े कल्चर बेसिकली एक आपका चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, ठीक है। जोबड़े कल्चर बेसिकली एक चालकोलिथिक पौरातात्विक स्थल था, जो कि वर्तमान समय में आखिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका जो जोबड़े संस्कृति, ये आपकी बेसिकली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, और ये आपका आज के समय में दोस्तों महाराष्ट्र में आपकी स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो स्थल है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, मैं महाराष्ट्र के आपके अहमदनगर जिले में आपका स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और सिलेस खुदाई करने पर सामने आए, ठीक है, बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च कर रहे हैं SSC के लिए? दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों एक सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट GK की बुक आती है 14,000+ वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके SSC की जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, JEE, SSC, JU, CGL, CPU, MTS, आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे के इम्पोर्ट PBSC क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है, कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछे गए फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5,000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज PYQS मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, 5,000 से लगभग 6-7,000 के आसपास आपको, 6,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी बायलैंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा। और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है और आपकी यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, और एमटीएस का दोस्तों आपका 1 महीने बाद पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का पहले क्या था, अपन जीके स्किप भी कर देते काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। एमटीएस में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना। तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बाकी दोस्तों सीजीएल वगैरह भी मेंस में जीके आने लगी है, सीएचएस भी मेंस में आने लगी, तो बच्चा जीके को आपको इसको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी। टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको थ्योरी भी इसमें कराई जाएगी, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है, और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपये, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में दोस्तों केवल और केवल 251 रुपये आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, आप व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का दोस्तों आपको 12-13 घंटे की स्टैटिक जीके की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्टैटिक जीके, उसका पीडीएफ भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो करंट पब्लिकेशन का निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और जो कि दोस्तों केवल और केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपये में आपको ये बैच दिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपये में तो यार आजकल आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना बच्चा, इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे डेमो के, आप देख सकते हैं जाकर। और स्ट्रेटेजी के बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है। तो इसको साथियों आप ले सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे ट्रेडिशनल जीके यानी परंपरागत सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही स्ट्रेटेजी जीके का ये पोर्शन है, जो कि एग्जाम में आपका भर भर के एग्जाम में पूछता है, तो वही इसको आप जरूर करें, कोई टॉपिक करें या ना करें, लेकिन इसको टॉपिक को आप जरूर साथियों कीजिएगा। और दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, अब मान लो आपको फर्स्ट का आंसर देने के लिए मैंने आपको 3 सेकंड का समय दिया, अब आपका आंसर ए आया, अब मान लो मैंने आपको इसका आंसर बी बताया, तो आपको ईमानदारी से कट टेस्ट करना है। अब सेकंड वाला आंसर आपका ए आया, मैंने आपको इसका राइट आंसर ए बताया, तो उसको टिक करना है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का, है ना दोस्तों, कलम से ही क्रांति होगी, तो आपको दोस्तों एक्टिव होना पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों आपका टाइम बचेगा और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी। और जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता जाऊँगा उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, साथ ही जो मैं इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी बताऊँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वही मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, मैं कम समय में दोस्तों आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, कि आप दोस्तों जब आप आएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हुआ। दोस्तों आपको कम समय ज़्यादा जानकारी दी जाएगी, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही आपको बताई जाएंगी, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आपको हम डायरेक्ट भी करा देंगे, परेशान मत होना। 80-90% सब इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम आपको पूरे तरीके से करा रहे हैं, 5 साल के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप इनको बिल्कुल अच्छे से घोल के पी लीजिए, एक बार वीडियो, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन ना आता तब वीडियो देखते रहो, नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, है ना। बाकी मैं नोट्स तो इसका गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप है, आपको यहाँ पर लिंक मिल रही होगी, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से, है ना, गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी आपको। अब बच्चा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बल्लम काली जो बोट रेस है, जो कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही जगह पर होती है, एक किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो साथियों जो बल्लम काली बोट रेस है बच्चे कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका है केरला में दोस्तों, ये होती है केरला में आपकी होती है, ये बहुत ही फेमस बोट रेस है, और ये आपकी केरला में होती है, ऑप्शन नंबर केरला राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ होती है, पंबा नदी के तट पर ये होती है। और इसके अलावा साथियों ये आपका ओणम का जो ओणम फेस्टिवल जो केरल का
फेमस फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, उसी का पार्ट है, ओणम फेस्टिवल के पार्ट है बल्लमकाली बोट रेस मुख्य पार्ट है। और ये आपका दोस्तों ओणम फेस्टिवल जो कि आपका सितंबर के समय होता है तब ये वाली रेस होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या भाई, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ये दोस्तों आपके अल्लप्पी वाले जो आपका अल्लप्पी है यहाँ पर अल्लप्पी वाले एरिया में होती है, अल्लप्पी से आपका है इन जगहों पर होती है, बहुत ही शानदार बोट रेस होती है। आपने देखा होगा बागी मूवी में, दोस्तों बागी मूवी में इसी बोट रेस की शूटिंग है ना। चलिए यहाँ पर यहीं पर दोस्तों आपकी एक झील है जो कि इंडिया की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है दोस्तों वेम्बनाड झील है, क्योंकि बहुत ही शानदार झील है। कभी आप केरला जाएंगे दोस्तों यहाँ देखिएगा, बहुत ही शानदार झील है ना वेम्बनाड झील। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। देखिए रामचरित मानस, मानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है। बच्चा बताओ आखिर जो रामचरित मानस एक महाकाव्य है आखिर इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो अच्छा ये जो रामचरित मानस है ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरित मानस, और ये आपका साथियों कौन सी भाषा में लिखा गया, तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी अवधी राइट आंसर हो जाएगा। जो रामचरित मानस साथियों महाकाव्य जो कि अवधी भाषा में लिखा गया, तुलसीदास इसकी रचयिता है। ठीक है चलिए और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और सेलेस्ट त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, आखिर कौन सा त्यौहार साथियों जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए बताइए फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यार सही होना चाहिए बताओ फटाफट से। चलिए भाई बताइए फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा त्यौहार की पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाता है। ठीक है साथियों इस ऑप्शन के अनुसार आपका बी वाला विकल्प भी सही है और डी वाला भी सही है, कैसे सही है वो भी आप सुनना। बच्चा होली जो है आपका, होली जो त्यौहार है ये आपका फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों रक्षाबंधन है भाई, रक्षाबंधन जो त्यौहार है राखी का त्यौहार है रक्षाबंधन, और ये आपका दोस्तों हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण के महीने में मनाया जाता है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन आपका रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका बी वाला भी सही होगा डी वाला भी सही होगा, क्योंकि एग्जाम में बोला कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो पूर्णिमा को आपका होली भी मनाया जाता है और राखी भी मनाया जाता है, बी और डी को दोनों को टिक कर लीजिए। ठीक है अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चा आपको होली में किसी पे भी आप टिक कर लेना, होली और राखी में दोनों आपके सही होंगे है ना, ए और सी में मत करना, बी और डी में आप कोई भी करोगे दोनों में कोई भी आपका सही होगा। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है, बीजक नामक जो पाठ है आखिर किसकी संरचनाओं का संकलन है। तो साथियों बीजक जो नामक जो पाठ है आखिर किसका, बीजक नामक जो पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है, तो ये आपका कबीर की रचनाओं का संकलन है बीजक नामक पाठ, ऑप्शन नंबर सी कबीर राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास द्वारा रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ईद उल फित्र, ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है। साथियों ईद उल फित्र बेसिकली ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका नाइन्थ महीने में नौवें महीने में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है बच्चा, ये आपका जब नया चांद दिखता है तब ये मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना भी हम इसको बोलते हैं, रोजे के दिन बोलते हैं, और जब नया चांद हमें दिखता है तब हम इसको मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वर्धमान चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बताइए भाई, लद्दाख दोस्तों हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह राजधानी है, और बच्चा तिब्बत कैलेंडर के 11वें जो महीने में यानी कि नवंबर में के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लद्दाख में प्रतिवर्ष आपका लोसार त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी लोसार राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है भाई। तो लोसार त्यौहार आपका लद्दाख का फेमस त्यौहार है जो कि नवंबर के समय पर मनाया जाता है, और ये आपका साथियों उन जगहों पर मनाया जाता है जहाँ पर आपके पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये त्यौहार होता है। ठीक है और लोसार पर्व को दोस्तों कैलेंडर के अनुसार नववर्ष के शुभारंभ के रूप में भी हम इन जगहों पर मनाते हैं तिब्बत और हिमालय वाले क्षेत्र में, और ठीक है और जैसे लद्दाख में आपका दोस्तों लोसार मनाया जाता है, और साथ ही दोस्तों जो भी हिमालय वाले क्षेत्र होते हैं जैसे आपके हिमाचल हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, ठीक है और जो आपके जो भी पहाड़ी इलाके आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हुआ आपका, और तिब्बत हुआ, जितने भी पहाड़ी जो राज्य वहाँ पर मनाया जाता है, नेपाल भूटान इन जगहों पर सब लोसार त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी लोसार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है।
साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और लोसाल जो त्यौहार है आखिर उसको किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? साथियों जो लोसाल त्यौहार है ये आपका मोनपा, जो मोनपा जनजाति इसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग भाई जरूर बताइएगा, है ना, बहुत मेहनत लगती है ताकि आपके लिए कंटेंट आ पाता है। लोसा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, फिर वही क्वेश्चन है। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार भी जस्ट मैंने बताया, लोसा जो पहाड़ी इलाके है बच्चा, जो हिमालय से हिमालय जहाँ पर है, जो हिमालय रेंज जहाँ जहाँ है, हिमालय और तिब्बत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर है, मनाया जाता है लोसा त्यौहार, जो कि नवंबर में मनाया जाता है। और ये बच्चा देखो उड़ीसा होगा नहीं, असम होगा नहीं, नागालैंड होगा नहीं, तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अभी जस्ट मैंने आपको सिक्किम बताया है, डी वाले टिक कर लिए, आपका राइट आंसर है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा है, उस दिन हम होली को त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ नोट डाउन करा रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करी, क्योंकि दोस्तों मैंने बिल्कुल मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। कम समय बचा है तो कम समय में आपको ऐसी तैयारी करा रहा हूँ कि बच्चा जो आपको जीत दिला दे जीके में, है ना। जीके तो आप जान रहे हैं भाई, सीजीएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एमटीएस के हिसाब से भाई जब कट ऑफ जा रहा है ना, धुर्रे उड़ जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले की अगर बात करोगे ना, तो जीके अगर ना भी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन बच्चा अब एमटीएस में आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जीके ही सब्जेक्ट ऐसा जो आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। जीके हुआ, सीएचएसएल में बच्चा जो कट ऑफ जा रहा है आपका, बिना जीके के आप सिलेक्शन ही नहीं ले पाओगे, फाइनल मेरिट से आप बाहर हो जाओगे। अब तो बच्चा सीजीएल की अगर हम बात करें, सीजीएल में अगर जीके स्किप भी आप कर दे रहे हैं, बाई चांस आपका मैथ रीजनिंग और आपका जो मैथ रीजनिंग और आपका जो साथियों इंग्लिश से पोर्शन, अगर बच्चा बहुत आप टैलेंटेड बच्चे, अगर आप 150 में देखो 150 में बहुत कम होते हैं जो 150 में 150 ला पाते हैं, 140 तक बच्चा ला पाता है, ठीक है, 145 ला पाए तब आप तो हो रहा है आपका भाई, तो प्री निकाल लोगे। मेंस में बच्चा, मेंस में आपका जीके का खेला है, मेंस में तो जीके पढ़ना पड़ेगा आपको। और बच्चा अगर हम बात करें, वो केवल 1% ही बच्चे होते हैं, 1.1% बच्चे होते हैं जो 150 में तीन सब्जेक्ट 150 में 140 के आसपास नंबर ला पाते, 140 प्लस नंबर ला पाते हैं बच्चा। अब ऐसा चीज़ आपको देखो सब पे देना ध्यान देना पड़ेगा, आप अगर मैथ के क्वेश्चन 2-3 टफ ही आ गए ना तो आप ब्लो जाओगे, है ना, टाइम वहाँ पर बहुत प्रेशर रहता है बच्चा। मैथ और रीजनिंग भी दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन सीजन में होते हैं जो टफ, रीजनिंग का एग्जाम क्वेश्चन टफ होते हैं, 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। उसी बात दोस्तों इंग्लिश की अगर बुक भी 3-4 आपकी उल्टी सुलटी है तो आपका पूरा सपना बदल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके सब पर ध्यान दें। अगर बाई चांस आपका इंग्लिश का बच्चा बी इंग्लिश में आकर बुकलवाई कोई उल्टी सुलटी आ गई, या फिर मैथ का कोई क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, तो बच्चा कम से कम आपका जीके जो होगा वो तो गेम चेंज कर देगा, आपको कम से कम टायर वन तो क्लियर करवा देगा ना यार। तो आपको सब पर फोकस करना है, आप कट ऑफ बच्चे 130 के आसपास कट ऑफ जा रही है, अब ऐसा वो समय चला गया जब बच्चा 100, 103, 2-3 में आपका ड्राइवर निकल जाता था, है ना। तो अब आपको सब चीज़ें लेकर चलना, जीके पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि जीके ही आपका गेम चेंजर है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, ओणम साथियों एक बहुत ही पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। अब देखो ओणम के बारे में बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊँगा, एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो आके कौन से देश कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करना यार, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर थोड़ा सा आलसी किस्म के आदमी हो तो भैया आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो कहूँगा भाई इसको नोट डाउन करो आप, ठीक है। देखो ओणम फेस्टिवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, ओणम जो पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कि दोस्तों केरला में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला की अगर बच्चे हम बात करें, केरला कहाँ है भाई, भारत के नक्शे में ए वाला पार्ट केरला है। और दोस्तों जो जो आपका मानसून स्टार्ट होता है केरल के मालाबार ट्रस्ट से स्टार्ट होता है मानसून, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों केरल में आपके बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है, आपका केरल में मुन्नार है, बहुत सारी जगहें यहाँ पर साथियों, यहाँ पर केरल में काजू वगैरह बहुत होते हैं, यहाँ पर मसाले के लिए मसाले के सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य केरल, सबसे ज़्यादा मसाला आपका होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं केरल में, यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदरता है। अब हम बात करते हैं आपसे, वो सब मजा चीज़ हटके आप क्वेश्चन पे चलते हैं, आप क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बोल रहा है आपसे, सुनो बात को, देखो इसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। जो ओणम त्यौहार है, ओणम जो फेस्टिवल है ना, ओणम त्यौहार, बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, ओणम फेस्टिवल ये केरला में मनाया जाता है, केरला में। और एक दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है, एक किसकी याद में मनाया जाता है केरला में दोस्तों, प्रिय राजा महाबली की याद में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, प्रिय राजा महाबली वो बहुत मानते हैं वहाँ के लोग, प्रिय राजा महाबली की याद में ओणम त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है।
और ये कब चल कितने टाइम पीरियड रहता है इसका? इसका टाइम पीरियड साथियों रहता है, ये आपका 10 दिन चलता है त्यौहार, 10 दिन ये त्यौहार चलता है, 10 दिन का रहता है त्यौहार। और जब स्पेशल डे होता है साथियों, इस त्यौहार का स्पेशल डे होता है, स्पेशल डे वाले दिन यहाँ पर बोट रेस आयोजन होती है, बोट रेस का आयोजन होता था होता है यहाँ पर बोट रेस का आयोजन होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल डे होता है जो आखिरी वाला डे होता है, वहाँ पर बोट रेस का आयोजन होता है जो कि पंबा नदी पर होता है, ठीक है। एक बस केरल में होता है और कहीं नहीं होता, बहुत लंबी लंबी टाइप की बोट रहती है, आपने देखा होगा बागी वगैरह मूवी और भी काफ़ी मूवी में देखा होगा। जीतने वाले को 25 लाख रुपये मिलते हैं प्रतियोगिता जीतने में, टीम रहती है इसमें काफ़ी। और इसमें ये कौन से महीने होता है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई इतना अच्छा त्यौहार सर कौन से महीने होगा, तो बच्चा ये सितंबर में होता है। अगर आप केरल जाए तो सितंबर के समय जाना, तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब बच्चा अगर हम बात करें, ये आपका केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो ओणम त्यौहार होता है बच्चा, ये केरल का सबसे बड़ा, देखो इसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल। और ये दिवाली की तरह यहाँ पर लोग मनाते हैं इसको, दिवाली की तरह इसको मनाया जाता है, दिवाली की तरह मनाया जाता है। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा खुशी का त्यौहार होता है यार। खुशी का त्यौहार क्यों होता है भाई? जब फसल की कटाई होगी, फसल कटाई, यहाँ फसल बहुत अच्छी तरीके से केरल में होती है यार फसल यहाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ मानसून यहाँ स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर कुल मिला के दोस्तों जैसा फसल में चाहिए होता है चीज़ें, तो उस हिसाब से पानी निकलता है, तो यहाँ पर फसल बहुत अच्छी तरीके की होती है, तो खुशी का त्यौहार भी उसको बोलते हैं। फसल कटाई हुई, लोगों के पैसे आए, फिर लोग खुशी खुशी में बहुत त्यौहार मनाते हैं, तो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, के बाद मनाते हैं हम इसको, ठीक है। और ये सब दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ओणम त्यौहार आपका केरला में मनाया जाता है, केरल का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, दिवाली जैसा इसको की तरह यहाँ पर लोग मनाते हैं। केरला बहुत शानदार जगह है दोस्तों, अगर हम बात करें साक्षरता की दर से, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आप दोस्तों वहाँ जाएंगे तो आपको रिक्शा वाला भी वहाँ पर इंग्लिश बोलता हुआ मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी केरला राइट आंसर हो जाएगा इसका। खैर मैं जो PDF है ना इसका, PDF मैं गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर डाल दूंगा, वहाँ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेड वाले बच्चों को तो भाई पूरा सेक्शन में ही मिल जाएगा सब चीज़ें। केरल में दोस्तों फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, केरल में फसल की कटाई पर दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया, इसलिए साथियों मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लेना बच्चा। अब आपको होगा तो ओणम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओणम को टिक कर लो या बेहिचक। ओणम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी भाई केरला का बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है इसको, क्योंकि दिवाली की तरह लोग मनाते हैं इसको, है ना। और जब फसल कटाई होती है तो भाई लोग बहुत खुश होते हैं, तो और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, है ना। केरला में लोगों को भाई पैसे, साउथ तरफ जाओगे पैसे पैसे लोगों को मिलेगा भाई आपको, लोग गोल्ड से लदे रहते हैं, सब नहीं है कुछ हैं, मतलब ज़्यादातर आपको गोल्ड से लदे रहेंगे क्योंकि पैसा बहुत है वहाँ पर। त्रिवेंद्रम में आप साथ, आपका त्रिवेंद्रम एक जगह है, त्रिवेंद्रम भाई कहाँ है, त्रिवेंद्रम साथ ही केरला की राजधानी, त्रिवेंद्रम या त्रिवेंतपुरम है, त्रिवेंतपुरम इसके यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर पद्म स्वामी का मंदिर है यार, जिसके बारे में आप जानते ही दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे धनाढ्य मंदिर में आता है ना। चलिए उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उत्तरायण के दोस्तों पहले दिन ये जो त्यौहार है वो आपका ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ओणम आपका राइट आंसर। मैंने कौन सा बता दिया आपको यार, देखिए आपको रुकना साथियों, एक सेकंड मैंने आपको, देखो उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, उत्तरायण की बात चल रही है, मैंने केरला में ले गया आपको, उत्तरायण के पहले दिन दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उत्तरायण के पहले दिन दोस्तों आपका जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है उत्तरायण के पहले दिन। और पोंगल त्यौहार आपका किसानों का पर्व है, इसको हम किसानों का पर्व बोलते हैं, किसानों का पर्व, ठीक है, पोंगल त्यौहार को, ठीक है। और ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु केरल राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु और केरल में दोस्तों पोंगल मनाया जाता है, बहुत ही फेमस त्यौहार, जब फसल की कटाई होती है उसके बाद ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका हर साल 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है, और मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, और सूर्य के उत्तरायण और होने के पूर्णकाल में मनाया जाता है, इसको हम लोग किसानों का पर्व भी बोलते हैं पोंगल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्से में इसे अलग अलग नामों में से जाना जाता है, इसे गुजरात में क्या कहा जाता है दोस्तों। जो मकर संक्रांति है गुजरात में तो और अच्छे तरीके से बच्चा मनाई जाती है, वहाँ पर पतंग वगैरह भी उड़ाई जाती है, तो जब मकर संक्रांति में दोस्तों जो आपका इसे गुजरात में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए आपका राइट आंसर है, ठीक है। और गुजरात में हम इसको उत्तरायण कहते हैं, और इसे मकर संक्रांति के समय यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग
महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है गुजरात में हर साल 14-15 जनवरी को, और बहुत शानदार है कि पतंग आपने देखा होगा भाई न्यूज़ वगैरह में पतंग उड़ाई जाती घरों घरों में गुजरात में। उत्तरायण का त्यौहार, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तरायण का जो त्यौहार है विशिष्ट रूप से गुजरात में मनाया जाता है, मकर संक्रांति का मेन त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पतंग अंतर्राष्ट्रीय पतंग वो आपकी महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। हरेली किस राज्य की फसलों का त्यौहार है? हरेली आके कौन से राज्य की फसलों का त्यौहार है बताओ भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यार सही होना चाहिए, जल्दी से बताओ। हरेली किस राज्य की फसलों का त्यौहार है? ठीक है, तो बच्चा हरेली की अगर हम बात करें तो हरेली आपका छत्तीसगढ़ राज्य की फसलों का त्यौहार है, ठीक है। और ये आपका खेतिया समाज का पर्व है, और खेतिया जो ये आपका खेतिया समाज के लोग इस पर्व को वो मनाते हैं छत्तीसगढ़ के, और ठीक है, और बस ठीक है, इसमें औजार वगैरह की साफ़ सफाई करते हैं किसान लोग, और औजार वगैरह की साफ़ सफाई करते हैं, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई भी यार डाउट हो बताना, आपके सारे डाउट है क्लियर कर दिए जाएंगे, धुन धुन के आपके डाउट क्लियर करेंगे, है ना। खैर जीके में डाउट होना बहुत एक्सेप्शन केस है, तब भी आपको कोई भी डाउट हो तो बताना आप। चलो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चा फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर्स फ्रांसिस जेवियर उत्सव होता है ये आपका साथियों गोवा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी गोवा को टिक कर लो। और ये कब से कब तक चलता है? तो बच्चा 21 नवंबर से लेकर आपका 2 जनवरी तक ये गोवा में मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है भाई। चलिए इसको हम लोग लॉर्ड ऑफ गोवा भी बोलते हैं और गोवा का भगवान भी बोलते हैं। तो बच्चा ये त्यौहार आपका 21 नवंबर से 2 जनवरी तक गोवा में मनाया जाता है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव, ठीक है। चलिए 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? दो दिनों तक चलने वाला दोस्तों हेमिस धार्मिक उत्सव आके कौन से राज्य में मनाते हैं भाई, किस जगह पर मनाते हैं हम? तो दोस्तों जो हेमिस उत्सव है जो कि 2 दिन चलता है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेमिसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं हम लोग? तो हेमिसु जो त्यौहार है ये आपकी हम गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में हम इस त्यौहार को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अवसर दोस्तों तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि पद्म संभव के जन्म के अवसर पर त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और इस उत्सव के दौरान दोस्तों क्या होता है लामा, ठीक है, जो लामा पवित्र नकाबपोश नृत्य करते हैं ये आपका लद्दाख तरफ मनाया जाता है, और ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव आके किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो बच्चा अगर हम काला घोड़ा कला उत्सव की बात करें तो ये आपका मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है, एक बार से कला महोत्सव है जो कि मुंबई में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल भाई साहब कहाँ पर आयोजित किया जाता है बताओ भाई, भाई साहब डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल ये आपका आयोजित होता है कहाँ पर? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में आपका डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है। जैसलमेर को साथियों हम लोग गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, गोल्डन सिटी भी हम जैसलमेर को बोलते हैं, पिंक सिटी हम किसको बोलते हैं बच्चा? तो पिंक सिटी हम लोग बोलते हैं जयपुर को, ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और ब्लू सिटी किसको बोलते हैं भाई? ब्लू सिटी हम लोग जोधपुर को बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपका जो त्यौहार है जो डेजर्ट फेस्टिवल ये आपका कब से कब तक चलता है? तो अब 3 दिन ये चलता है, 3 दिन ये आपका चलता है, और ये आपका जनवरी फरवरी के महीने में होता है, जनवरी या फरवरी के महीने में होता है डेजर्ट फेस्टिवल। चलिए कुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, ये उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो इस उत्सव को हम लोग हरियाणा में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यार गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसमें क्या होता है, गंगा सागर मेला में यहाँ पर गंगा जी
और समुद्र का मिलना होता है। गंगा सागर मेला में क्या होता है, गंगा जी गंगा मिल गई, गंगा नदी मिल जाती है, और बच्चा यहाँ पर बहुत तेज समुद्र रहता है। और बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है, उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का मिलना और समुद्र का मिलना, गंगा जी का मिलना, तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब तेज समुद्र है। तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो गंगा सागर दोस्तों जो मेला है ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और ये आपका हर साल मकर संक्रांति के समय पर होता है। गंगा सागर दोस्तों एक तीर्थ मेला है, और ठीक है ये तीर्थ मेला है जो कि आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, और ये आपका 5 दिन मेला चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, और कपिल मुनि में लोग के मंदिर में लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो बहुत ही शानदार जगह है गंगा सागर, है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में आपकी है, उड़ीसा से घिरी हुई, उड़ीसा के पास में ही आपका है ना। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार भाई साहब जो त्यौहार तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है भाई साहब, तमिलनाडु ए है आपका, तमिलनाडु ए है आपका, है ना, तमिलनाडु सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी है, तो ठीक है तमिलनाडु भी बढ़िया जगह है, शानदार जगह है, और ये साउथर्न जो घाट है ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है ना, और बहुत लौटता हुआ मानसून आपका तमिलनाडु में से नीचे अरब सागर में गिरता है, और बंगाली खाड़ी दोस्तों आपकी तमिलनाडु बंगाली खाड़ी है, और देखिए एक कन्याकुमारी की जगह है, कन्याकुमारी बच्चे एक जगह है जहाँ पर आपका क्या होता है ना, सुनना बात को, यहाँ पर आपका अरब सागर है, अरब सागर मिल नीचे गिरता है, अरब सागर है, और यहाँ पर आपका दोस्तों इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन होता है अरब सागर, इंडियन ओशियन और बंगाली खाड़ी का यहाँ मिलन होता है, तो भाई साहब बहुत तगड़ा लेवल का समुद्र होता है यहाँ पर, है ना। चलिए पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है, पोंगल का 4th दिन को हम लोग क्या कहते हैं, साथियों सुनना बात को अच्छे से समझना, पोंगल त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ये आपका पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, केरला का भी है लेकिन तमिलनाडु का, क्योंकि केरला और तमिलनाडु बगल बगल में लगे है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें पोंगल का चौथे त्यौहार दिन, पोंगल का 4th दिन हो दोस्तों हम क्या कहते हैं, देखो थाई पोंगल जो फर्स्ट डे को हम लोग बोलते हैं भोगी पोंगल, जो कि पहला दिन होता है उसको वो त्यौहार को भोगी पोंगल बोलते हैं, क्योंकि तेलुगु भाषा में है, ठीक है। और जो आपका सेकंड डे होता है इसको हम लोग बोलते हैं थाई पोंगल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं थर्ड डे की, तीसरा दिन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मट्टू पोंगल, थर्ड डे को हम लोग क्या बोलते हैं मट्टू पोंगल, और चौथा डे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा कानम पोंगल, कानम पोंगल है ना, जो तमिल वाले वो समझ गए होंगे। तो पोंगल का 4th दिन क्या कहलाता है, तो पोंगल का 4th दिन को हम लोग कानम पोंगल कहते हैं, ऑप्शन वाई कानम पोंगल आपका राइट आंसर हो जाए। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो ना बताओ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जलीकट्टू, जलीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, जलीकट्टू बच्चा आखिर किसके साथ ये कनेक्टेड है, तो किसके एसोसिएटेड है, जलीकट्टू आखिर कहाँ का किसके एसोसिएटेड, बताइए बताइए, जलीकट्टू आखिर क्या है बच्चा, जलीकट्टू बेसिकली एक खेल है, जलीकट्टू जो खेल है आखिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चा जो जलीकट्टू जो त्यौहार जो खेल है ये पारंपरिक खेल है जो कि बच्चा पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजित होता है, ठीक है। तो पोंगल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में होता है, जब पोंगल त्यौहार होता है उस समय खेल खेला जाता है, ठीक है। बैलों वाला होता है, आपने देखा होगा बैल वाली रेस होती है जलीकट्टू, ठीक है, इसमें बैल दौड़ा दिए जाते हैं और बैलों का होता है, ठीक है। चलिए जलीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है, तो ये आपका पोंगल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पोंगल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो बच्चा हम पुष्कर मेला की बात करें, बच्चा एक चीज़ बताना चाहूँगा, पुष्कर जो पुष्कर में क्या है भाई, पुष्कर का इतिहास सुनना, केवल ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही जगह पर, एक ही जगह है इंडिया में पुष्कर, जहाँ पर विष्णु ब्रह्मा जी का आपको मंदिर मिलेगा, 3 भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु भगवान के मंदिर आपको हर जगह मिलेंगे, शिव जी के मंदिर आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन बच्चा ब्रह्मा जी के मंदिर केवल आपको एक ही जगह पर मिलेगा जो कि पुष्कर में मिलेगा। पुष्कर आपका राजस्थान में है भाई, राजस्थान में पुष्कर, अजमेर के पास में पुष्कर आपका पड़ता है। पुष्कर मेला बच्चा कहाँ पर आयोजित किया जाता है, अगर हम पुष्कर मेले की बच्चे बात करें तो पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊँट का भी बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर पुष्कर झील में लोग स्नान करते हैं, पुष्कर झील भी आपकी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है पुष्कर, है ना। चलिए पशु, यहाँ यहाँ पर भाई साहब पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है पुष्कर में,
साल्ज़बर्ग फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया जाता है? तो साथियों ये जो फेस्टिवल है साल्ज़बर्ग जो महोत्सव है ये आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों संगीत और नाटक का प्रमुख त्यौहार है जो कि 1920 में से स्टार्ट हो गया था ऑस्ट्रेलिया में लगना, ठीक है। और ये आपका एक ऑस्ट्रेलियाई शहर है जिसका नाम है दोस्तों साल्ज़बर्ग है, वहाँ पर मनाया वहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है आखिर किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो त्यौहार है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो फ्लेमिंगो के बारे में यार सुनना बात को, फ्लेमिंगो त्यौहार है बच्चा, देखो इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी मनाती है और बच्चा महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसको मनाती है, ठीक है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी मनाती है और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी मनाती है, तो सी और डी दोनों सही होंगे। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 9 से 10 जनवरी को ही मनाती है, ठीक है। तो ये विवादित वाला क्वेश्चन है, सी और डी आपके दोनों सही होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया, फिर आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस त्यौहार को मनाने लगी थी। चलिए फ्लेमिंगो त्यौहार तो आपका सी और डी दोनों सही होगा। अगर आप सी भी टिक कर ले कोई बात नहीं, डी भी टिक कर ले कोई बात नहीं, दोनों सही हो जाएंगे आपको। चलिए निम्नलिखित में किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी डाम मी भी मनाया जाता है, ठीक है बताओ भाई। तो ये आपका असम में मनाया जाता है ये त्यौहार, जो कि पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार है जो कि असम में मनाया जाता है, और ये त्यौहार आपका 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग, बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य में संबंधित है, ठीक है बताओ भाई। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित, किस राज्य में मनाया जाता है? जो अली आई लिगांग ये आपका दोस्तों जो फेस्टिवल है किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों ये बहुत ही फेमस जो फेस्टिवल है ये आपका असम का फेमस फेस्टिवल है, असम में मनाया जाता है। और धान की खेती की शुरुआत के समय त्यौहार मनाया जाता है। चलिए मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ, दोस्तों कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि भाई मतलब टाइम पास कुछ हो नहीं आता तो चलो भाई त्यौहार मनाते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे ही फसल की कटाई के समय मनाया जाता था, कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि ऐसी शादी लोक नृत्य ऐसे हो गए हैं, तो मतलब कुछ फ्री हुए थे चलो भाई त्यौहार मनाते हैं, है ना। इस प्रकार से कुछ त्यौहार ऐसे भी निकल कर आए, जिस प्रकार दोस्तों लोक नृत्य और आपके निकल कर आए वैसे ही त्यौहार भी कुछ आए हैं। और जब फसल की कटाई हुई अब लोगों का पैसा है तो भाई लोक नृत्य करते हैं डांस करते हैं, तो फिर काफ़ी लोक नृत्य भी ऐसे निकले थे, वो हम आपको सब बताएंगे खैर आएंगे परेशान मत हो आप। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई त्यौहार दोस्तों जो मनाया जाता है मड़ई जो फेस्टिवल है ये आखिर किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? ये दोस्तों मड़ई त्यौहार ये आपका कौन सी जाति मनाती है? तो इसको सबसे पहले सुनना, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गोंड जनजाति इसको त्यौहार को मनाती है। और ये आपका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है भाई? तो ये त्यौहार बच्चा जो मनाया जाता है बिल्कुल सही आंसर है आपका, बताओ फटाफट से ये त्यौहार आखिर कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये त्यौहार बताओ फटाफट से बताओ फटाफट। चलो तो मड़ई त्यौहार दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है जो कि गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है मड़ई त्यौहार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़िया तरीके से चलते हैं यार। लेसल पटू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बच्चा लेसल पटू आखिर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो अगर हम लेसल पट्टी की बात करें तो बच्चा अगर लेसल पट्टी का तो ये आपका नागालैंड का लोकप्रिय नृत्य है लेसल पटू आपका नागालैंड का लोकप्रिय नृत्य है। और नागालैंड का एक और लोकप्रिय नृत्य है चोंग है, यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है खोबा है, ठीक है। और अगर हम दोस्तों केरला की बात करें तो केरला का यार नोट डाउन कर लेना, केरला का जो आपका लोक नृत्य है जो कि आपका ओट्टम है, यहाँ का ओट्टम लोक नृत्य है जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछेगा, कथकली तो भाई साहब यहीं से निकला, कथकली का जन्मदाता भी केरला ही है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में आपका आता है कथकली, शास्त्रीय नृत्य में आपका कथकली आता है। और इसके अलावा साथियों आपका काली अट्टम भी यहाँ का लोक नृत्य है, काली अट्टम अभी लोक नृत्य के बारे में मैं बताऊँगा बढ़िया तरीके से आपको, ये सब आपके यहाँ के केरला के। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जिसका नाम है यक्षगान,
और यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। गोवा की अगर हम बात करें बच्चा, तो गोवा का लोक नृत्य यार आपका खोल है, ढकनी है, खोल और एक ढकनी है। मांडी भी यहाँ का लोक नृत्य है, मंडी मांडी भी यहाँ का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का लोक नृत्य आपका क्या है, लेसल पट्टू। लेसल पट्टू यहाँ का लोक नृत्य है। और जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली सेलेस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल की अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। नेपाल में मनाई जाती है प्रथा, नेपाल की प्रथा है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 70 साल की आयु या उससे अधिक प्राप्त करने वाले जो स्त्री या पुरुष को विशेष अधिकार विशेष सम्मान देकर मनाया जाता है त्यौहार। और जो लड़े जो लेडीज या जेंट्स 70 साल की आयु प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जानकू या देवी देवता की संज्ञा भी दी जाती है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो वही गमछा भारतीय राज्य असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। और गमछा बेसिकली एक प्रकार का दोस्तों, गमछा जो होता है वो एक प्रकार का साल होता है ना। असम में इसको हम लोग बिहूबान के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी सेलेस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। बताओ भाई, ये तो यार हर लोगों को पता है खिचड़ी आप कब खाते हो यार, है ना। उत्तरायण और लोहड़ी कब होती है, तो अच्छा ये सब आपके बताओ। तो खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी ये आप सबके मकर संक्रांति के समय होते हैं। मकर संक्रांति विभिन्न नाम है, ठीक है। तो मकर संक्रांति राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चा, है ना। तो मकर संक्रांति को टिक कर लो, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। और सूर्य बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है, पर मनाया जाता है फिर। और भारत में हम लोग इसे विभिन्न नाम से जानते हैं, खिचड़ी हुआ, उत्तरायण, लोहड़ी, ये सब इनके मकर संक्रांति के नाम है ना। चलिए, रेहुक खीम या फिर काउरी सॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान हैं। तो यार भाई साहब, जो रेहुक खीम है और काउरी सॉल है, ये आपके नागालैंड राज्य का पारंपरिक परिधान है आपका, ये है ना। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। आखिर में से कौन है जो कि आपका उत्तर भारत में चार धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें बच्चा, तो आपके देखो चार धाम में आपका कौन कौन से आते हैं। उत्तर भारत के चार धाम यानी कि जो उत्तराखंड के जो चार धाम है बच्चा, उसमें आपके आता है बद्रीनाथ आता है। बद्रीनाथ सबसे पहले स्टार्ट होती है भाई कहाँ से, यात्रा आपकी यमुनोत्री से। यमुनोत्री से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है, यमुनोत्री, फिर गंगोत्री आप आते हैं, फिर उसके साथ ही कहते हैं कि केदारनाथ जाना पड़ता है, केदारनाथ जाना पड़ेगा, केदारनाथ, फिर आपका उसके साथ ही बद्रीनाथ जाना पड़ता है, तब जाके आपकी यात्रा सफल होती है, ठीक है। तो हिंदू धर्म का एक धाम है बद्रीनाथ, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तर आपके चार धाम हिंदू धर्म में चार धाम है, जो कि आपके हर दिशा में है। बद्रीनाथ हुआ आपका, और इसके अलावा साथ ही आपका जगन्नाथपुरी हुआ, और आपका रामेश्वरम है जो कि सबसे लास्ट में है रामेश्वरम, और इसके अलावा साथ ही आपका द्वारकाधीश, ये सब आपके चार धाम में आते हैं, ठीक है। और साथियों जी, और ये सब आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आपके उत्तर भारत के चार धाम है। ऐसा वो बच्चों बोला जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा है कि यमुनोत्री आपको पहले यमुना जी के दर्शन करने होंगे, फिर आपको गंगोत्री जाना पड़ेगा, फिर आपको केदारनाथ, फिर आपको केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आपको बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये धाम सफल होगा। तो उत्तर भारत में आपको चार धाम यहाँ पर जाना होता है, तो लोग यहीं पर ऐसे ही करते हैं। काफ़ी टिपिकल, काफ़ी कठिन यात्रा है यहाँ की, है ना। और ऐसा भी बोला जाता है बद्रीनाथ का जो जल है, जो बद्रीनाथ का जो जल होता है, जो आप गंगोत्री से जल लाते हैं, यमुना गंगोत्री से जो जल लाते हैं, वो जल आपका रामेश्वरम में चलता है ना। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, ठीक है, ये केदारनाथ आपके ज्योतिर्लिंग में आता है, और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, गलत है आपका, ये धाम में नहीं आते वैष्णो देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वैष्णो देवी दोस्तों आपकी, वैष्णो देवी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, मंदिर है, ठीक है। वैष्णो माता का मंदिर है, शेरावाली मैया का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साओ जुआओ, साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवांस एक दूसरे को क्या पेश करते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत शानदार तरीके से होता है यहाँ पर,
ये साव जो त्यौहार होता है जो कि गोवा राज्य मनाया जाता है भाई साहब, गोवा राज्य मनाते हैं 24 जून के समय मनाया जाता है। इसमें क्या होता है भाई साहब, सोआ जाओ साओ जाओ जो आओ उत्सव होता है। इसमें गोवांग एक दूसरे को क्या कहते हैं भाई, फल देते हैं यार। यहाँ पर एक दूसरे रिश्तेदार लोगों को फल दिया जाता है और ससुराल वालों को भी फल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फल दे के मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दशैन सेलेस का सबसे भव्य त्यौहार है। दशैन आके किस देश का सबसे बहुत ही भव्य त्यौहार है, ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है। तो बच्चा ये आपका जो त्यौहार है दशैन, ये आपका मनाया कब जाता है भाई, मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, सितंबर और से अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। और ये आपका नेपाल का बहुत ही भव्य त्यौहार है, ठीक है। और बेसिकली दोस्तों जो आपका दशैन नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है और यह त्यौहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय प्राप्त का प्रतीक है। इस सितंबर से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार की अगर बात करें बच्चे, तो सरहुल त्यौहार आखिर किस कब मनाया जाता है, तो बताओ सरहुल त्यौहार आखिर कब मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार साथियों ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है और ये आपका आदिवासी इसको मनाते हैं, आदिवासी मनाते हैं इस त्यौहार को, आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोंड का फसल उत्सव मनाया जाता है, बताओ भाई जल्दी से बताओ, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोंड का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका भारत के कर्नाटक राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा दोस्तों कैलपोंड का उत्सव मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जब धान की कटाई होती है तब उस समय मनाया जाता है, ठीक है। धान के मौसम के समय ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि साथियों में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलो भाई आपकी आज्ञा हो चलते हैं। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ये आपका दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको भाई साहब नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार जो कि मनाया जाता है, तो बच्चा हॉर्नबिल त्यौहार की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल त्यौहार भाई साहब कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार आपका नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है, ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड को टिक कर लो। अब चूंकि हम मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मणिपुर में चंपा त्यौहार एक आपका याओसांग एग्जाम में पूछते हैं, याओसांग त्यौहार ही मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दोस्तों नामसून त्यौहार मनाया जाता है, नामसूंग त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और आपका सोनम लोचर त्यौहार मनाया जाता है। और अगर हम त्रिपुरा की दोस्तों बात करें तो त्रिपुरा में आपका गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, गरिया पूजा यहाँ पर मनाया जाता है त्यौहार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड आपका हो जाएगा। बटुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं, ठीक है। बटुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं, तो ये आपके बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। बटुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में दोस्तों महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बटुकम्मा उत्सव मनाया जाता है, तो बटुकम्मा उत्सव दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आपका राइट आंसर है। भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया, अंबुबाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है, आप बता रहे हैं हम आपको अच्छे से दोस्तों। अंबुबाची जो मेला है ना यार, अंबुबाची मेला ये आपका जो लगता है, ये आपका कहाँ लगता है, कामाख्या देवी का मंदिर है भाई साहब, कामाख्या देवी का मंदिर है। कहाँ पर है, असम की राजधानी गुवाहाटी में है, असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी में आपका कामाख्या देवी का मंदिर है, ठीक है। वहाँ पर मेला लगाया जाता है और ये आपका 26 जून तक इस त्यौहार को मनाते हैं लोग वहाँ पर, है ना, और ठीक है 26 जून तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। और बाकी साथियों सुनना बात को, 22 से लेकर 26 जून तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें इस त्यौहार के, जो कामाख्या देवी
है ना, तो जो कामाख्या देवी माता ये आपकी 52 शक्ति पीठों में आती हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि अंबुबाची मेला है, और ठीक है, जो कि आपका दोस्तों असम के गुवाहाटी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। सक्रेनई त्यौहार फरवरी महीने में सेलेस की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सक्रेनई त्यौहार फरवरी महीने में आके कौन सी अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो जो आपका साथी हूँ इसके बारे में आप लोग सुनना अच्छे से, इसको मैं जूम करके बताता हूँ। चलिए, सक्रेनई त्यौहार है जो कि फरवरी महीने में आखिर कौन से राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो यार सुनना, इसको नोट डाउन कर लेना आपको करना हो तो। साथियों अगर हम बात करें सक्रेनई की, सक्रेनई जो त्यौहार है, सक्रेनई त्यौहार तो ये आपका साथियों अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अंगामी जनजाति, उसको अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका कब मनाया जाता है, तो बच्चा ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। और ये त्यौहार कितने दिन चलता है, तो ये आपका त्यौहार 10 दिन चलता है, 10 दिन ये त्यौहार चलता है। इतना शानदार तरीके से बच्चा कोई नहीं बताया जो आपको कम समय ज़्यादा जानकारी आपको दे दे। और ये नागालैंड का बच्चा फेमस त्यौहार है, नागालैंड का ये फेमस त्यौहार है, नागालैंड का फेमस त्यौहार है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर आपका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा इसका का त्यौहार है। तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है बच्चा, ये आपका अंगामी जनजाति मनाती है, ये नागालैंड में मनाती है। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको बात आई, फरवरी के समय महीने में मनाया जाता है और 10 दिन चलता है। बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से सेलेस में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कौन से राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बाली यात्रा। अब इसके बारे में सुन लो या अच्छे से हम लोग बात। देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तब जाके आप लोगों के कंटेंट आ पा रहा, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपने दोस्तों पेड कोर्स लिया तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, सूरत में आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ, है ना। तो यह देखिए बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से आगे किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो बाली यात्रा की अगर हम बात करें, बाली यात्रा इसको भी नोट डाउन कर लेना, पेन और पेपर लेके बैठो भैया, आप बताओ इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। बाली यात्रा दोस्तों जो कि जिसका मतलब होता है बाली की यात्रा, ये दोस्तों विशेष रूप से कटक नगर में मनाया जाता है, जो कि महानदी के किनारे मनाया जाता है, महानदी के किनारे मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका कटक कहाँ है, उड़ीसा में, वहाँ पर ये मनाया जाता है बाली यात्रा, इसका मतलब होता है बाली की यात्रा। और इन यात्रा दोस्तों बेसिकली मोटिव क्या होता है, इन यात्रा का मोटिव क्या होता है, तो बच्चा इन यात्रा का मोटिव होता है कि व्यापार तथा सांस्कृतिक प्रसार होना, ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार होता है इस यात्रा में, ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार होता है। तो साथियों ये कटक नगर में उड़ीसा में मनाया जाता है, महानदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी कटक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कटक को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सकेबा सिलेस की क्रात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो सकेबा साथियों, जो सकेबा है ना त्यौहार, तो सकेबा त्यौहार यार सकेबा त्यौहार आके कौन सी जनजाति द्वारा, मतलब सकेबा सिलेस की क्रात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है सकेबा, ठीक है, जो कि दोस्तों धार्मिक त्यौहार है ये आपका, जो कि खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और ये आपका मई और जून के समय में मनाया जाता है, मई से जून के समय में मनाया जाता है। और ये किसी संबंधित त्यौहार है, खेती संबंधित त्यौहार है, खेती किसी से किसानों से संबंधित त्यौहार है, किसान लोग मनाते हैं। और साथियों ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, जो कि सिक्किम की जनजाति खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इसमें अच्छी फसल के लिए भूमि देवता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सिलेस जोरास्ट्रियन यानी पारसी मूल का एक त्यौहार है, जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है।
तो वो भाई साहब वो त्यौहार कौन सा है? तो पारसी धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं यार, है ना, बताओ यार जल्दी से बताओ, पारसी धर्म के लोग आखिर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो यार पारसी धर्म के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नवरोज, देखो फिर से सुनना बात को यार, नवरोज पारसी तो हमने खैर आपको बता ही दिया था, और पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष में बसंत पिसुप के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। वो त्यौहार कौन सा है दोस्तों? नवरोज त्यौहार है, ठीक है, जमशेदी नवरोज त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी नवरोज त्यौहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग किसने की थी भाई, स्टार्टिंग किसने की थी, गयासुद्दीन बलवन द्वारा त्यौहार स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन बलवन द्वारा स्टार्ट किया गया था त्यौहार मनाना, और जो कि 1266 से लेकर 1286 तक रहा था गयासुद्दीन बलवन। और ये आयोजन इसका कब हुआ था, आयोजन की अगर हम बात करें तो साथियों इसका आयोजन हुआ था 21 मार्च को, इसका आयोजन होता है 21 मार्च को इसका आयोजन होता है इस त्यौहार का, नवरोज त्यौहार का। और ईरान के शाह जमशेद के सिंहासन ग्रहण करने के उपलब्ध में त्यौहार उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि ईरान के जमशेद, ईरान के राजा थे शाह जमशेद थे, उनके जब उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया तो उनके उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है आपके पारसी धर्म द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग में सही नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य त्यौहार युग में जो कि सही नहीं है, स्ट्रीट फेस्टिवल पेयर है जो कि सही नहीं है, बताना है आपको, ठीक है भाई बताओ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर देखो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। बैसाखी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये बात तो भाई साहब बिल्कुल गलत है, ये बात तो हमें खा नहीं रही, बैसाखी त्यौहार है साथियों, ये आपका पंजाब का प्रचलित त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है भाई साहब, पंजाब का लोग बहुत ही फेमस त्यौहार है बैसाखी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है आपका। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में बताइए भाई साहब बताओ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो उड़ीसा में यार आपका बाली तृतीय मनाया जाता है, ये उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में दोस्तों आपका पुरी का मंदिर स्थित है, और ये आपका उड़ीसा के तट पर मनाया जाता है बाली तृतीय त्यौहार, ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों पुरी का मंदिर आपका उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है। कुंभ मेला सिलेश में नहीं आयोजित किया था, कुंभ मेला आके कहाँ पर आयोजित नहीं किया था दोस्तों? कुंभ मेला की अगर हम बात करें, कुंभ मेला चार जगहों पर आयोजित होता है, चार जगह कौन कौन से भाई साहब? प्रयागराज, एक प्रयागराज जिसको अब हम पहले इलाहाबाद नाम था इसका, अब यार प्रयागराज नाम हो गया है, योगी जी ने नाम बदल दिया है। और एक आपका भाई साहब जगह है कौन सी? उज्जैन है, महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि छपरा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। और भाई साहब उज्जैन प्रयागराज में भाई साहब की तीन नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यानी कि यहाँ पर त्रिस संगम है, और लुप्त सरस्वती नदी यहाँ लुप्त हो जाती है। और उज्जैन के बाद आपकी आता है भाई साहब कौन सा जगह? हरिद्वार आता है, हरिद्वार में हर की पौड़ी, यार हरिद्वार का हर की पौड़ी जो कि गंगा नदी, यहाँ पर बहुत तेज है हरिद्वार में, यहाँ पर कुंभ मेला होता है। और अभी लास्ट ईयर दोस्तों आपका हरिद्वार में कुंभ मेला मनाया गया था, है ना। और इसके अलावा साथियों हरिद्वार के अलावा आपका एक नासिक जगह है, नासिक 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 महाराष्ट्र में जगह है, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों कुंभ मेला होता है, ठीक है। तो चार जगहों पर कुंभ मेला आपका मनाया जाता है। और इलाहाबाद उज्जैन सही है, पुरी आपका गलत है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी पुरी को टिक कर लो, ये गलत है। पुरी में भाई साहब समुद्र है आपका, ना कि कोई नदी वगैरह है। पुरी की अगर हम बात करें तो पुरी में आपका जो कौन सी खाड़ी है भाई, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी है भाई साहब पुरी में, है ना, बंगाल की खाड़ी है। पुरी में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो कि दोस्तों पूरे विश्व भर में फेमस है, जो यहाँ की यात्रा है जगन्नाथ स्वामी की, जो यात्रा है रथ यात्रा है जो कि पूरे विश्व भर में फेमस है। यहीं पर ही भाई साहब आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है, और शंकराचार्य के जो मठ हैं वो भी आपके भाई साहब यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। तो जो पूर्व में स्थित जो प्रमुख मठ है वो भी आपके यहीं पर है पुरी में। तो पुरी में काफ़ी सारी चीज़ें, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, यहाँ पर एक हिंदू धर्म का एक धाम है जगन्नाथपुरी, वो भी आपका यहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, कुंभ मेला भाई साहब पुरी में नहीं मनाया जाता है, कुंभ मेला भाई साहब जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, फसल कटाई के समय में भाई साहब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार आप लोग फसल की कटाई के बाद मनाते हैं? तो भाई फसल की कटाई के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो है लोहड़ी, ऑप्शन नंबर बी लोहड़ी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। और लोहड़ी त्यौहार आपका फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, और ये आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो। निम्न में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है,
तो निम्न में से कौन सा जो कि जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल थिएटर है, तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांड पाठेर। भांड पाठेर जम्मू और कश्मीर का सदियों पुराना लोक रंगमंच है। यह दोस्तों आमतौर पर खुले स्थानों पर आयोजित होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो भाई, पर्व असम की आहोम। कौन सा पर्व असम की आहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है, तो वो त्यौहार कौन सा है भाई साहब? तो असम के ताई अहोम समुदाय द्वारा दोस्तों हर साल 31 जनवरी को जो एक त्यौहार है, जो एक त्यौहार है मी डाम मी फी जो त्यौहार है वो अपने असम के लोग मनाते हैं, अपने स्वर्गवासी पूर्वजों की स्मृति में त्यौहार मनाते हैं। और जो मी का मतलब होता है साथियों, मी का मतलब क्या होता है आप सुनना, मी डैम मी फी, और मी का बच्चा मतलब जो होता है वो होता है चढ़ाना। मी का मतलब क्या होता है चढ़ाना, इसका मतलब होता है। और डैम का मतलब होता है पूर्वज, डैम मतलब पूर्वज, ठीक है। और फी का मतलब क्या होता है भाई साहब, गॉड होता है। फी का मतलब गॉड, यानी कि पूर्वज को चढ़ाना गॉड के प्रति, मतलब मी फी का मतलब होता है मृतकों को चढ़ावा या फिर देवताओं को बलिदान, मृतकों को चढ़ावा या फिर देवताओं को बलिदान, इसका मतलब होता है। तो साथियों ये असम का में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मी डैम मी फी राइट आंसर होगा। जो भी आपको नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा उसको टिक कर लेना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। रंगोली बिहू। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे सलेस के महीने में मनाया जाता है। इसमें इसको कौन से महीने में मनाते हैं हम लोग? तो रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे हम लोग, साथियों बिल्कुल सही आंसर है, बताइए भाई फटाफट से बताइए। तो बिहू असम का दोस्तों बहुत ही फेमस त्यौहार है जो कि आपका वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, और ये आपका साथियों अप्रैल के समय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है जो कि आपका अप्रैल के समय पर मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित त्यौहारों में से किसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? कौन से त्यौहार का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है इसका मतलब, तो वो बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना बिल्कुल सही, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, लाई हरोबा। बेसिकली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाई हरोबा, ठीक है। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स का मतलब होता है लाई हरोबा, ठीक है। लाई हरोबा मणिपुर के प्रमुख उत्सवों में से एक है जो आपकी मिटई और मिटाई समुदाय के लोगों द्वारा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? आखिर में से निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर जो मेला है वो मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला साथियों ये आपका गुजरात में आयोजित होता है, ये गुजरात में मनाया जाता है, और मिश्ती जनजाति इसको मनाती है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। और मिस्मी जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये आपका माधवपुर मेला। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राचीन राजा जो भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मणी के जरिए जो भगवान शिव को अपना पूर्वज मानती थी, और लोक कथा के अनुसार दोस्तों माधवपुर में श्री कृष्ण ने भीष्म की बेटी जो रुक्मणी को शिव विवाह किया था, इस मेला के अनुसार ऐसे होता है। तो गुजरात में मनाया जाता है, मीसमी जनजाति मनाती है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया भाई जब ये आपका मनाया जाता है किसकी याद में, लॉर्ड कृष्ण और रुक्मणी की याद में। हर साल भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये मेला मनाया जाता है, और उनकी कला वगैरह वो मतलब नाटक वगैरह होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान कृष्ण इनकी झांकियां लगती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माधवपुर मेला भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी मोस्ट की पावर 1000 लगा लो इंपॉर्टेंट है। माधवपुर मेला भाई साहब कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा आपका। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा को जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है बताओ भाई? तो बताइए भाई, तो धनु यात्रा उड़ीसा के आपका
बाड़गढ़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला 11 दिवसीय उत्सव है। और इसकी जो स्टार्टिंग है आपकी, स्टार्टिंग 1948 से स्टार्टिंग हुई इसकी भाई साहब, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आयोजित होता है भाई सब कहाँ पर, अभी जस्ट मैंने बताया उड़ीसा में आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है, उड़ीसा में आयोजित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हाराओबा उत्सव मनाया जाता है? आखिर वो कौन सा भारतीय राज्य जहाँ पर लाई जो आपका हाराओबा उत्सव मनाते हैं हम लोग, तो लाई हरोबा जो उत्सव है ये आपका मणिपुर का बहुत ही फेमस उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो उत्सव है ये आपका देवता और पूर्वजों की पूजा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए भाई साहब लगा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मेला मंदिर में हर बस अंबुबाची मेला मनाया जाता है? अभी जस्ट मैंने भाई से आपको बताया अंबुबाची मेला जो कि भाई साहब का कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में स्थित है भाई साहब, असम की राजधानी गुवाहाटी में आपका कामाख्या देवी का मंदिर जो कि 52 शक्तिपीठ में आपकी मैया आती हैं, तो यहाँ पर आपका अंबुबाची मेला लगता है जो कि बहुत ही फेमस मेला, 10 दिन चलता है मेला। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? तो भाई साहब बताओ, तो आखिर इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो कि उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है, ठीक है। चलो कौन सा बात मेल नहीं खा रही है तो देखो बताइए फटाफट से बताइए आपका, मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, है ना। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? चलिए बताइए फटाफट से बताइए आप। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? तो भाई बताओ कौन सा मेल नहीं खाता है। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, क्या बात है यार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी उड़ीसा। दोस्तों कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश में फेमस है और कुचिपुड़ी गांव से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और कृष्ण की कहानी पर ये आधारित बेसिकली आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये आपका उड़ीसा का नहीं है बच्चा, ये आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो चलिए इसका एक क्वेश्चन और है भाई। आदिवासी त्यौहार भगवा पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है ये किस राज्य में आरंभ होता है? बताओ भाई, बताइए भाई। आज आदिवासी त्यौहार भगवा पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है ये आपका जो स्टार्ट होता है ये आपका झारखंड से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी झारखंड आपका यार राइट आंसर, झारखंड आपको दिख नहीं रहा है क्या? झारखंड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और काल मेजूटू एक अनुष्ठान कला रूप है जो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी जो काल मेजूटू एक अनुष्ठान कला रूप है जो कि आपकी केरला की है, ऑप्शन नंबर केरला राइट आंसर हो जाएगा। और केरला की पाई जाती है लोक एवं जनजातीय कला के रूप में प्रसिद्ध काल मेजूटू जो केरल का एक अनुष्ठानिक कला रूप है, ठीक है, रिचुअल आर्ट फॉर्म है और इसमें देवी देवताओं की आकृति बनाई जाती है केरला में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है, और किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं? आखिर हम किस त्यौहार को ईष्ट का महाकुंभ भी कहते हैं? तो ईष्ट का महाकुंभ के नाम से दोस्तों अम्बु त्यौहार है वो आपका है अंबुबाची मेला जो कि दोस्तों कामाख्या देवी के मंदिर पर मनाया जाता है और ये 10 दिन त्यौहार मनाया जाता है। ये मेला 10 दिन आयोजित होता है और ये हर 22 जून को ये मेला
का आयोजन होता है 22 जून से, ठीक है, जो कि कामाख्या देवी जो कि मंदिर गुवाहाटी में है वहाँ पर ये लगता है अंबुबाची मेला, इसको हम लोग महापूर्व का महाकुंभ कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपार भीड़ रहती है ना। और कामाख्या देवी दोस्तों, जो कामाख्या देवी है वो आपकी शक्तिपीठ में 52 शक्तिपीठ होती हैं, उसमें आते हैं, ठीक है। और अंबुबाची मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंबुबाची मेला है ये आपका 4 दिन तक चलता है, 10 दिन नहीं, 4 दिन तक ये आपका चलता है, ठीक है। 4 दिन तक ये आपका अंबुबाची मेला चलता है, 10 दिन तक एक दूसरा मेला वो आपका चलता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका अंबुबाची मेला हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में किस राज्य में चाप चार, एक फिर से देखते हैं, चाप चार कुट किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में किस राज्य में चाप चार कुट त्यौहार मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चाप चार कुट त्यौहार ये आपका मिजोरम का, मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 मार्च को ये मनाया जाता है मिजोरम में, ठीक है भाई, हर साल बसंत के मौके पर 6 मार्च को मनाया जाता है। चपचा जो कुट किस राज्य का त्यौहार है, चपचार कुट ये आपका बेसिकली मिजोरम का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी, बताइए भाई। तो कागजी शिल्प सांझी की जो पट्टी है भारत के आगे निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई, तो इसकी जो उत्पत्ति है जो सांझी कला सांस्कृतिक रूप से धनी और ब्रज में प्रचलित अनेक कला क्षेत्रों में से एक है, इसकी उत्पत्ति दोस्तों मथुरा में हुई है, मथुरा जो कि ब्रज भूमि है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। और सांझी कला है ये आपका बोलता दोस्तों राधा कृष्ण से संबंधित पवित्र ग्रंथों से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर बी मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च कर रहे हैं एसएससी के लिए। दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके एसएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, जेईई एसएससी जेयूएस सीजीएल सीपीयू एमटीएस आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है, कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछेगा फिर उसका रिपीट नहीं हुआ, इसमें रखे गए हैं वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5,000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज पीवाई क्यूएस मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5,000 से लगभग 6-7,000 के आसपास आपको 6,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन, कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी बायलैंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा। और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है और आपके यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, और एमटीएस का दोस्तों आपका 1 महीने में पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का पहले क्या था, अपन जीके स्किप भी करते थे तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार, एमटीएस में दोस्तों जीके बना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बना तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों सीजीएल वगैरह भी मेंस में जीके आने लगी, सीएचएस भी मेंस में आने लगी, बच्चा जीके को आपको उसको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको थ्योरी बेस में कराई जाएगी है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है, और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपये, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड दोस्तों केवल और केवल 291 रुपये आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, आप व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी की आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी, उसका पीडीएफ भी आपको बाकायदा मिलेगा, और कंप्लीट दोस्तों ये जो करंट पब्लिकेशन का निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं इसका कंप्लीट आपको साथियों पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और जो कि दोस्तों केवल केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चाहिए, जो कि 251 रुपये में आपको बैच दिया जाए, इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपये में तो यार आजकल आपको 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना बच्चे, इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लगे डेमो के, आप देख सकते हैं आकर। और स्टडी के बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री हुआ, मेडिवल हुआ, मॉडर्न हुआ, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो इसको साथ ही आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं।
ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, एरा विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी है, कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर हम हम्पी की बात करें तो हम्पी आपकी प्रेजेंट में बच्चा कर्नाटक में स्थित है। हम्पी आपकी कर्नाटक में स्थित है जो कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की अगर हम बच्चा बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1336 में इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की। और किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का द्वारा, दो भैया थे हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, और इनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी और जो कि वर्तमान में आपका आपका कर्नाटक में है और तुंगभद्र नदी के किनारे पर हम्पी आपका स्थित है। और राजभाषा इनकी क्या थी भाई? तेलुगु राजभाषा हुआ करती थी, तेलुगु राजभाषा थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम्पी के साथियों खंडर हैं ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 15वीं शताब्दी में सले शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र आपका अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो 15वीं शताब्दी में दोस्तों आखिर कौन से शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र आपका अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है? तो वो आपका विजयनगर का हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर विजयनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों जो अगर हम अब्दुल रज्जाक की बात करें तो अब्दुल रज्जाक जो समरकंदी था ये साथियों आपका फारसी यात्री था, जो कि भारत आया था, फारसी यात्री था। और ठीक है, ये आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, 1443 के समय पर आया था, ये आपका फारसी यात्री था आपका अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ठीक है, इसने बोला था कि मैंने विश्व में इसके समान दूसरा शहर नहीं देखा और ना ही सुना विजयनगर जैसा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। विजयनगर भाई साहब बहुत टॉप पोस्ट में पहुँच गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया? अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये आपका शासन बेसिकली उस समय किसका शासनकाल था? तो आपका देवराय द्वितीय का शासनकाल था, देवराय द्वितीय का शासनकाल था। और जो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ये भारत आया था कब? ये 1443 से लेकर 1444 तक भारत में रहा था, एक साल भारत में रहा था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने बोला था कि हमने विजयनगर जैसा शहर ना तो हमने पूरे पूरे विश्वभर में नहीं देखा है। ठीक है, विजयनगर के बारे में इसने लिखा था कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर नहीं देखा है ना ही सुना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने देवराय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्यात इस भाषा में लिखी गई है? भाई बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। किसने देवराय की कृतियों में से एक आपका अमुक्त माल्यात है ये आखिर किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों अमुक्त माल्यात है ये आपकी साथियों जो भाषा में लिखी गई है आपकी, बिल्कुल सही राइट आंसर, तेलुगु भाषा में आपकी अमुक्त माल्यात लिखी गई है। ठीक है, किसने देवराय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्यात, किसने देवराय बेसिकली एक आपके लेखक भी हुआ करते थे और विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा हुआ करते, कृष्ण देवराय। ठीक है, और ठीक है, इन्होंने अमुक्त माल्यात की रचना की थी। ठीक है, जो कि आपकी तेलुगु भाषा में लिखी गई थी और ठीक है तमिल के थे आपके। और इनका जो शासनकाल रहा था कृष्ण देवराय का 1509 से लेकर 1529 तक रहा, लगभग इन्होंने 20 साल शासन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध यात्री आपका दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? तो प्रसिद्ध यात्री जो दुआर्ते जो बारबोसा ये कहाँ का निवासी था? तो दुआर्ते जो आपका बारबोसा ये आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन भाई पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुर्तगाली अधिकारी के रूप में पुर्तगाली अधिकारी था और पुर्तगाली अधिकारी के रूप में ये भारत में 1506 से लेकर 1516 तक भारत में रहा था। ठीक है, और किसने देवराय के शासनकाल में रहा था? किसने देवराय के शासनकाल में रहा था? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आखिर में से कौन सा दोस्तों विजयनगर कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? तो
तो वही विजयनगर जो कला का सबसे अच्छा उदाहरण आपका है हम्पी, ऑप्शन भाई हम्पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और ठीक है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती है, जो कि आपकी कर्नाटक में स्थित है हम्पी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। जब दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य में आके कौन से राजवंश का राज हुआ करता था, दोस्तों तुलुभ राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश हुआ करता था, और तुलुभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तुलुभ राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश हुआ करता था, और इसका जो तुलुभ राजवंश आप चला आपका 1505 से लेकर 1517 तक ये चला था, और इस ठीक है इसी के समय पर आपका तालीकोटा का युद्ध भी हुआ था, इसी राजवंश के समय पर आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि आपका 23 जनवरी 1565 के समय पर हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 तुलुभ राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, विजयनगर शहर दोस्तों और हम किस नाम से विजयनगर शहर को जानते हैं, तो विजयनगर शहर को हम लोग साथियों बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा, विजयनगर शहर को हम लोग हम्पी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हम्पी इसका राइट आंसर होगा। हम्पी दोस्तों यहाँ की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, और विजयनगर शहर की स्थापना किसने की थी, हरिओम बुक्का द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, दोस्तों वो आपका युद्ध था तालीकोटा का युद्ध, जो कि साथियों आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ था, और इस दोस्तों बहुत ही तगड़ा युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य आपका ध्वस्त हो गया था, और विजयनगर साम्राज्य का पतन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो हम्पी में स्थित जो स्मारकों का दोस्तों समूह है या कि कौन से धर्म का एक केंद्र है, तो ये आपका हिंदू धर्म का एक केंद्र है, ऑप्शन नंबर ई हिंदू धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह आखिर कहाँ पर है, तो आपका हम्पी कर्नाटक में आता है, ऑप्शन नंबर ई कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, दोस्तों अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करें दोस्तों बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका था बिल्कुल सही हसन गंगू था, ऑप्शन नंबर एक हसन गंगू आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका बहमनी आपका जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हुआ करता था आपका, ठीक है। और इसी ने दोस्तों हसन गंगू ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि आपकी 1347 में की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, दोस्तों गोवा की जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ गोवा के किस वर्ष हुआ था, दोस्तों बैटल ऑफ गोवा आपका 1510 में हुई थी, गोवा की लड़ाई 1510 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1510 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो ये ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टेक कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपसे भारत के सीमावर्ती देश यानी कि भारत के जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए जैसे दोस्तों हमारे भारत की जो जिससे हमारी सीमा सटी हुई है भारत की 7 देशों में दोस्तों हमारी भारत की सीमा सटी हुई है, जिसका मैं आपको ट्रैक बता चुका हूँ भाई, बचपन में बीए ये दोस्तों ट्रैक है, बचपन में बीए आपको याद रखना है, बा यानी कि बांग्लादेश से चाइना आता साथियों, सबसे ज़्यादा मतलब आपकी जो सीमा सटी है भारत से बांग्लादेश की सटी है 496 किलोमीटर की है, फिर चाइना आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर नेपाल आता है, फिर आपका म्यांमार आता है साथियों, फिर आपका इसके बाद भूटान आता है, फिर आपका अफगानिस्तान आता है, इस प्रकार 7 आपके देश हैं जिससे हमारी भारत की सीमा सटी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले 2-3 आप चीज़ सुन लीजिएगा, अफगानिस्तान क्या दोस्तों जो भारतीय सीमा की लंबाई सबसे कम है अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर की है लंबाई, 106 किलोमीटर हमारे भारत से अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारी भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर जो कि अब सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, और जो अफगानिस्तान को साथी हों जो अलग करती है, जो भारत अफगानिस्तान को अलग करती है वो आपकी बेसिकली डोरंट रेखा है, जो कि भारत और अफगानिस्तान को बच्चा अलग करती है, और जिसको दोस्तों ने रेखा को खींचा था किसने भाई साहब, ये आपका 1886 में सर डोरंट ने रेखा खींची थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, आखिर में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है साथियों, कुछ चीजें आप सुन लीजिए। बांग्लादेश के साथ दोस्तों हमारे पांच राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब पांच राज्य होके आप बांग्लादेश जा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम पांच राज्य की बात करें तो मिजोरम बेसिकली अपनी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, है ना। और ठीक है, तो ये पांच राज्य हैं आपके। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए, गलत है आपका। मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये आपका बांग्लादेश का सीमा साझा करता है, आपकी मणिपुर नहीं करता है। चलिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है दोस्तों, आगे कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी। तो भारत की दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अभी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगी। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश को टिक कर लो, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताओ भाई। चलिए, कोई भी डाउट हो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है बांग्लादेश के साथ, और 4096 किलोमीटर की सीमा है, 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा। फिर साथियों उसके बाद चाइना आता है, फिर चाइना की जो सबसे बड़ी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना की है, फिर उसके बाद फिर आपकी पाकिस्तान की आती है। और अगर हम दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश को जो अलग करती है वो आपकी याद रखिएगा, एग्जाम अब क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। देखो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी 4096 किलोमीटर की, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना की आती है। चाइना की भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो चाइना की चाइना की लगभग उसकी जो लंबाई है वो आपकी 3478 किलोमीटर की है। और साथियों जो भारत और चाइना को जो अलग करती है जो रेखा, वो आपकी मैकमोहन सीमा रेखा अलग करती है भारत और चाइना को। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चाइना को बच्चा अलग करती है। और फिर तीसरे नंबर पर साथियों पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के दोस्तों चार राज्य सटे हुए हैं। ठीक है, चार राज्य सटे हैं पाकिस्तान की दोस्तों। तीसरे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान की, और जिसकी लंबाई आपकी 3323 किलोमीटर है बच्चे, 3323 किलोमीटर लंबाई है सीमा की। और अगर हम दोस्तों बात करें आपसे तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन सब से होकर आप पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम ने आपसे एक चीज और पूछ लेता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा काटती है वो आपकी साथी काटती है कौन सी। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही आंसर रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और ठीक है भाई, फिर आपका नेपाल आता है चौथे नंबर पर। नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। साथियों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा पांच राज्य करते हैं, पांच राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं करता है ये बताना है आपको। पांच राज्य दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ये वाला मैं ऑप्शन आपको बता चुका हूँ, ये आपका सीजीएल में अभी क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन एग्जाम ने रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ये रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को अभी जस्ट मैंने आपको बताया रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच को काटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा साथियों के किस देश को छोड़कर बाकी सबके साथ लगती है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा आखिर में से किस देश को छोड़कर बाकी सबके साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की साथियों बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका इस जगह पर पड़ता है। ठीक है, आखिर में से किसको छोड़कर, तो यार देखो किसको छोड़कर, बांग्लादेश का भाई पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, बगल में बांग्लादेश लगा है भी पश्चिम बंगाल के, है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्युपाई भी आपका सबसे ज़्यादा सीमा भी बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल ही करता है। और अब नेपाल भी आपका लगा हुआ है, नेपाल आप यहाँ से आते हैं नेपाल भी लगा हुआ है ठीक है भाई। और भूटान भी आपका लगा हुआ है, जबकि साथियों पाकिस्तान आपका इस तरफ आता है। पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी पाकिस्तान को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए भाई मैं नक्शे के हिसाब से बताऊँ साथियों, पाकिस्तान आपका इस तरफ पड़ता है, है ना। जम्मू कश्मीर का सीमा साझा करता है पाकिस्तान, आप जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जा सकते हैं, है ना। पूरी पाकिस्तान दोस्तों अलग कर दिया गया था,
पहले आपका बांग्लादेश देश बेसिकली पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था साथियों, फिर 1971 को आज़ादी भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी का ने एक अपनी इंडियन आर्मी भेजी थी, फिर उसके बाद बांग्लादेश आपका आज़ाद हो गया था और फिर बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया था, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा, भाई साहब जो मैकमोहन रेखा भी जस्ट मैंने बताया, ये दूसरी नंबर की सबसे लंबी रेखा है, दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो आपकी चाइना की है, चाइना की जो कि मैकमोहन रेखा इसको अलग करती है। मैकमोहन रेखा आपका राइट आंसर, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चाइना को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के मध्य है, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरी क्लास ले रहे हैं तो भाई आपको भारत का नक्शा होना चाहिए, भारत का नक्शा आपका होना चाहिए, तब आप चीज़ें जल्दी कर सकते हो, भारत का नक्शा आपको याद होना चाहिए बच्चा। तो अब ऐसा तो है नहीं मैं बार बार आपको नक्शा कराऊँ तो बच्चा इसमें बहुत समय बर्बाद होता है, बच्चे बोलते हैं सर आप एक एक करके बता दें तो इसमें एक ही क्वेश्चन करने में 10-10 मिनट लगते, इतना समय नहीं आपके पास। तो बच्चा मैं आपको इसलिए फास्ट करा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, और लास्ट में अपना इसको जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आखिर में किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है बताओ भाई, जल्दी से बताओ म्यांमार की सीमा के किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। साथियों बताओ, जल्दी से बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। साथियों म्यांमार बेसिकली आपका जो पड़ता है, म्यांमार आपका मतलब कुल मिला के मणिपुर जो आपका पूर्वोत्तर वाले राज्य उसके ऊपर म्यांमार पड़ता है, ठीक है। तो आपका म्यांमार से जो अगर आप म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की दोस्तों जो सीमा है, आप म्यांमार 4 राज्य होते हुए जा सकते हैं, वहाँ 4 राज्य कनेक्ट होते हैं आपके भारत के, और म्यांमार की सीमा रेखा की जो 1643 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो म्यांमार है साथियों, म्यांमार की जो आपकी सीमा की लंबाई है जो कि आपकी 1643 किलोमीटर है, ठीक है। और म्यांमार की जो बेसिकली म्यांमार आप जाएंगे तो 4 स्टेट होते हुए जाते हैं, 4 स्टेट अपनी बाउंड्री साझा करता है म्यांमार के साथ, वो कौन कौन से करता है भाई साहब, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है बगल में, और साथियों नागालैंड लगा हुआ है, मणिपुर लगा है मणिपुर, और एक आपका साथियों एक और लगा मिजोरम, ये 4 राज्य साथियों ये आपकी बेसिकली म्यांमार के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिक्किम आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है बच्चा, सिक्किम आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा। बच्चा बोल रहा है कि सर सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है, बच्चा सिक्किम आपका बेसिकली नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना, नेपाल आप सिक्किम होते हुए नेपाल भी जाते हैं, भूटान होते हुए भी आप भूटान जाते हो, सिक्किम होते हुए आप जाते हैं, ठीक है। तो दो सिक्किम अपने 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, भूटान और ये अपन नेपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सिक्किम को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, आखिर में कौन सा राज्य जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो आपने राइट आंसर इसका देख ही लिया है भाई साहब, तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाई साहब, असम, ऑप्शन नंबर बी असम इसका टिक कर लीजिए, इसका राइट आंसर है असम। चलिए भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, भारत और भूटान के जो भारत और भूटान के बीच की सीमा यानी कि भूटान कुल मिलाकर कितने राज्यों से सीमा साझा अपनी करता है, ठीक है। भूटान के भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, दोस्तों अगर भूटान की बात करें तो भूटान 4 राज्य होते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ, वो कौन कौन से राज्य भाई साहब, सिक्किम है आपका जो कि मैंने बताया सिक्किम है, और एक आपका साथ ही कौन सा है, एक पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है और फिर आपका असम हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया यूपी, तो 4 राज्य आपके बेसिकली हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप किसको टिक करोगे यार, यहाँ पर यार ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 4। अब भाई मैं ऑप्शन देख रहा था यार, भाई मैं बच्चों के आंसर देख रहा था, बच्चों मैंने 3 लिखा तो बच्चा 3 की तरफ जा रहे हैं, सी कर रहे हैं बच्चा, 4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 इसका टिक कर लीजिए, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 4 को टिक कर लीजिए, और एग्जाम एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ लेता है, और भारत और भूटान के बीच की सीमा लंबाई कितनी है, तो वो आपकी 699 किलोमीटर है, ठीक है, 700 किलोमीटर है।
निम्नलिखित में किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं सीमा साझा करती है? आखिर में किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है करता है? तो वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। बताओ जी, अब फिर मैंने कंफ्यूज आपको कर दिया भाई, बिलोर गए आप। चलिए भाई जल्दी से बताओ अपना उत्तर, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मतलब सी देखा तो आपने सी के तरफ बता दिया यार, बहुत बढ़िया यार, इन्हीं बच्चों की हमें तलाश है यार, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। बहुत से बच्चों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल आ रहा है, बिल्कुल सही, नेपाल को टिक कर ली, नेपाल आपका राइट आंसर है। ये विस्फ्रेंड हो गया है, यहाँ पर आंसर ये नहीं है बेसिकली, और बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ करता है, ठीक है। तो बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा, आप नेपाल जाएंगे तो बिहार होते हुए आप नेपाल जाते हैं, और बिहार बेसिकली भारत का पूर्वी भाग में बिहार आता है, ठीक है। उत्तर में यूपी आता है। निम्नलिखित में किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी हुई है? आखिर में किस देश की सीमा आपकी बेसिकली मेघालय से जुड़ी हुई है? तो मेघालय से आपकी बांग्लादेश की सीमा मेघालय से जुड़े, मतलब जो मेघालय से आपकी बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है, यानी कि बांग्लादेश आप जाएंगे तो म्यांमार मेघालय होते हुए जाते हैं। बांग्लादेश दोस्तों आपकी पाँच राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, और इसकी लंबाई आपकी भारत 4096 किलोमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो करता है भाई किसके, फिर बताओ भाई, बच्चा वो कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा बच्चा, एक दो क्वेश्चन जान पूछ के ऐसे ऑप्शन किए गए ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ। बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया, मैं देख रहा हूँ यार आप क्या बोलते हैं आप। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, क्या बात है यार, बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी बांग्लादेश होगा ना कि चाइना होगा बच्चा, ठीक है, ऑप्शन में भी बांग्लादेश को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। चलिए, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दोस्तों बेसिकली क्रम दोस्तों आप सुनिएगा, भारत और बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश का करता है, और ठीक है, जो कि 4096 किलोमीटर है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की। फिर आपकी उसका दोस्तों चाइना आता है, चीन, ठीक है, चाइना आता है जो कि हमारा दुश्मन है चाइना, जो कि जिसकी लंबाई 3478 किलोमीटर है। फिर उसके साथियों आपका आता है तीसरे नंबर पर, कौन सा आता है भाई साहब, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसका आकार दोस्तों कुत्ते के आकार में, इसका नक्शा ही कुत्ते के आकार में है, जिसकी हालत भी कुत्ते से गए गुजरी निकली है ना, और कुत्ता जब वफादार होता है पाकिस्तान वफादार ही नहीं है, है ना। तो फिर तीसरे नंबर पाकिस्तान आता है, जिसकी लंबाई भाई साहब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लंबाई, तीन राज्यों से बेसिकली चार राज्य आपके सीमा साझा पाकिस्तान के साथ करते हैं, और इसके अलावा या भाई साहब वो ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है तो बिल्कुल सही 3323 किलोमीटर है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई वो 3323 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपका नेपाल आता है, चौथे नंबर पर नेपाल आता है, नेपाल आपका 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है ना, और नेपाल भाई साहब चार राज्य अपनी बाउंड्री साझा करते हैं नेपाल के साथ। फिर पाँचवें नंबर पर आपका आता है म्यांमार, छठवें नंबर भूटान, सातवें नंबर अफगानिस्तान, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो म्यांमार की सीमा आपकी भाई साहब बिल्कुल सही, बताओ आखिर में से फिर किसके साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? फिर कन्फ्यूज हो गए बच्चे, बच्चे कुछ क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली रखे गए हैं, यहाँ पर टिक लगाया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। देख रहे हैं भाई कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है, चलो भाई क्या बात है, मतलब यार जैसा होगा तो वैसे ही टिक करेंगे क्या आप। चलिए, तीन चार बच्चों के आंसर आए हैं बिल्कुल सही, और काफ़ी के अरुणाचल प्रदेश ने सामने लगा दिया है, सर आपने आंसर बता दिया, बच्चा ये गलत आंसर है ना कि सही है दोस्तों। बांग्लादेश की सीमा आपकी क्वेश्चन आपका म्यांमार वाला, तो म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता, तो म्यांमार के साथ मैं बता चुका हूँ बच्चा, मूर्ख बच्चे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बांग्लादेश म्यांमार आपका चार म्यांमार से चार राज्य सीमा साझा करते हैं, म्यांमार और भारत, म्यांमार बेसिकली 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और चार राज्य म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से है म्यांमार? तो बच्चा पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है बच्चा, दूसरे नंबर पर नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश तो भाई करता है नागालैंड आता है, और तीसरे नंबर पर यार आपका आता है कौन सा, तीसरे नंबर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको मणिपुर, और चौथे नंबर मिजोरम, ठीक है।
राइट आंसर क्या, किसको टिक करोगे आप? तो भाई आखिर में से भारत के कौन सा राज्य जो कि सीमा में हमारे साथ साझा नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम को टिक कर लो, असम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी भी प्रकार की डाउट हो ना तो बताओ यार, बताओ भाई। अब म्यांमार की बच्चा बात करें, म्यांमार से कहाँ पड़ेगा, म्यांमार की आप पॉइंटिंग करो बच्चा, पॉइंटिंग कर देते हैं हम। म्यांमार की अगर बात करें भारत का नक्शा में दोस्तों, म्यांमार आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ पर इस तरफ आपका म्यांमार पड़ता है, ठीक है, इस तरफ म्यांमार पड़ता है। तो म्यांमार से आपका मणिपुर, नागालैंड ये लगा होता है, तो आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। मतलब भावना को समझिएगा, मैं नक्शा बना दिया ऐसे ऐसा करके होता है, इस तरफ मैं बता रहा हूँ म्यांमार आपका लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर असम को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं यार, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, आखिर में कौन सा राज्य जिसके तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है, मतलब बीचों बीच है, कुल मिला के बच्चों बीचों बीच है वो, तो वो राज्य कौन सा है भाई साहब, राज्य वो कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मतलब कुल मिला के उसके बांग्लादेश की सीमा तीनों तरफ है। दोस्तों बांग्लादेश के बगल में आपका कौन सा लगा है, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर त्रिपुरा को टिक कर लो, त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा से दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश त्रिपुरा से घिरा हुआ है, मतलब त्रिपुरा आपका बीच में है, बांग्लादेश इस तरफ से बांग्लादेश लगता है, इस तरफ से लगता है, इस तरफ से, मतलब तीनों तरफ से आपका त्रिपुरा से बांग्लादेश घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, पूर्व में दोस्तों भारत की सीमा आखिर किन किन देशों से लगती है, बताओ भाई। तो पूर्व में भारत की जो सीमा है किन किन आखिर देशों से लगती है, ईस्ट से, मतलब जो भारत की सीमा के किन किन देशों से लगती है आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ, चलो भाई मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, बताओ भाई फटाफट से बताओ दोस्तों। अगर हम पूरा पूर्व की बात करें तो आपका, अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट यानी कि इस तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्व, तो बच्चा ईस्ट में मतलब यानी कि आपको भारत के नक्शे के हिसाब से इस तरफ का जो पार्ट है, इस तरफ के पार्ट से भाई जब कौन कौन से देश लगते हैं, देखो कौन कौन से देश लगते हैं, जब आपसे पूछ रहा है तो यार देखो भूटान अफगानिस्तान तो आपके उस तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान भी आपका भाई जब इस तरफ आता है, वेस्ट तरफ आता है, चाइना भी आपका इसी तरफ आता है, ऊपर आता है आपका, है ना, नॉर्थ में आता आता है चाइना, और जबकि म्यांमार और बांग्लादेश साथियों आपका ईस्ट में आते हैं, यानी पूर्व में आपके म्यांमार और बांग्लादेश आता है। तो बच्चा आपको नक्शा बिल्कुल याद रखना, तभी आपको चीज़ें याद रखेंगी, तो बच्चा बार बार भूलेंगे, बार बार भूलेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार और बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। नक्शा बच्चा 20 बार 25 बार 30 बार बनाओ, और बनाने आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी नक्शा की, है ना। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, अब यार गुजरात की हम बात करें यार, गुजरात आपका ये है, अलग ये वाला जो पार्ट है वो गुजरात है आपका, है ना, ये वाला जो पार्ट है वो गुजरात है आपका। तो यार गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो गुजरात की सीमा से आखिर भाई साहब किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो बताओ, बताओ भाई फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ। तो गुजरात के बगल में पाकिस्तान कहाँ भाई साहब का, पाकिस्तान इसका आकार कुत्ते के आकार का है भाई साहब, जिसका नक्शा ही कुत्ते के आकार का, जो कि पाकिस्तान आपका यहाँ आता है, ऐसे ऐसा होता है, देखो इस टाइप का आपका होता है, पाकिस्तान आपका ये लगा है, यहाँ से आप गुजरात की लगता है ना। तो गुजरात की सीमा दोस्तों पाकिस्तान, आप मतलब गुजरात होते हुए पाकिस्तान जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। और जो मतलब बेसिकली जो आप खड़े रहते हैं वो हमारे BSF के कमांडो खड़े रहते हैं, BSF यहाँ पर अपनी बेसिकली रक्षा में रहते हैं, BSF के कमांडो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पाकिस्तान को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यार आप जानते हैं कि 2024 में है चुनाव, इस बार भाई जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एक बच्चा भी दुखी ना रहे, तो सरकार दोस्तों भर भर के वैकेंसी निकाल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा, SSC में दोस्तों आपकी भंपर वैकेंसी निकली है, CGL में हुआ, और GD में 50,000 प्लस वैकेंसी निकली है, और CGL में 35,000 प्लस वैकेंसी निकली है। उसी बार दोस्तों रेलवे में ही आपकी ज्यादा जल्दी ही वैकेंसी, भंपर वैकेंसी निकलने वाली है। ये पूरा प्रॉपर दोस्तों जानकारी है, मेरी 40 से 50 स्टूडेंट से बात हुई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई ELP में लोको पायलट है, कोई साथियों ग्रुप डी में सिलेक्टेड, कोई आपका स्टेशन मास्टर है, और कोई एक दो तीन बच्चे हैं JEE हैं। तो मेरी बात हुई तो वो बच्चे बोले इससे जल्दी रेलवे भी भर्ती निकालने वाली, इस बार
होगा दोस्तों, रेलवे का एग्जाम आपका फास्ट होगा। जैसे दोस्तों नोटिफिकेशन निकल, जैसे एसएससी में होता है नोटिफिकेशन निकलता है, 3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है ना, उसी पर दोस्तों रेलवे में ही ऐसा ही होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे की बहुत ज्यादा किरकिरी ग्रुप डी के चक्कर में हुई, एनटीपीसी चक्कर में किरकिरी हुई। अब दोस्तों रेलवे नहीं चाह रही है कि भाई साहब अब हमें दोबारा किरकिरी हो, क्योंकि 2024 में चुनाव है। रेलवे की दोस्तों बहुत ज्यादा भर्ती निकलती है, उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, तो काफी बड़ी लेवल मास लेवल पर होता है। तो दोस्तों इस बार रेलवे फास्ट मोड पे काम करेगी, जल्दी आपकी प्रोसीजर कंप्लीट होगा। दोस्तों जल्दी ही आपको रेलवे ईएलपी की भर्ती देखने को मिलेगी, ईएलपी टेक्नीशियन, और आपको रेलवे की जो जेई की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये आपको बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी, 50 से 1 लाख के बीच आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2018 से लेकर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, 5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, तो आपको बढ़िया देखने को वैकेंसी मिलेगी। और बिल्कुल आप तैयार हो जाओ भाई, आप दोस्तों बिहार तरफ जाएंगे तो बच्चा बिल्कुल तैयार रेडी हो गया है। अगर आप तैयार नहीं हो तो बच्चा अब तैयार हो जाओ, देर आए सवेर आए ये बात समझ के बिल्कुल तैयार हो जाओ, अभी इस मोमेंट से पढ़ाई चालू कर दो। ऐसा मौका दोस्तों आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छी भर्ती होती है। ठीक है भाई साहब, अच्छे तरीके से लग जाओ। दोस्तों जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था, मेरे काफी बच्चे दोस्तों इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, मतलब हजारों की तादाद में बच्चे सिलेक्टेड ग्रुप डी में। यार मेरी बात हुई है कि भाई साहब आपको किस किस से कोर्स से मदद मिली, तो बच्चों ने बोला सर आपकी जो विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट थी, इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिली है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा रेलवे का पोर्शन भी ग्रुप डी में थोड़ा टफ पोर्शन था, टफ था एग्जाम, क्योंकि एक ही सेप्टेम्बर था, मतलब एक ही फेज था। अब दोस्तों जो कि एलपी का आपका 2 फेज में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम होगी, तो आपका साइंस ईजीबी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों विज्ञान चालीसा सब बच्चों ने मोस्टली 95% बच्चों ने दोस्तों रिकमेंड किया कि सर चालीसा वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है। दोस्तों ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए और जेई की भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञान चालीसा सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए, इसको आप जरूर दोस्तों एक बार देखिए, जिसमें दोस्तों टॉप 5000 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आप मतलब जानते हैं, जो 10 बार क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा, जो 12 बार पूछा गया, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें रखे गए। और साथ ही इसकी खास बात है, ये बच्चों का बोलना था कि सर इसमें हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, इसमें क्वेश्चन बनलाना फॉर्मेट में मिले हैं। साथ ही बनलाना फॉर्मेट में हम लोगों ने इसीलिए रखे थे ताकि आपको हमेशा चीजें याद है, बनलाना में चीजें हमें याद करने में आसानी होती है, और यहाँ पर साथियों सिस्टमेटिकली रूप में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे यार, है ना। तो साथियों विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, आप ईएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन है, फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले साइंस करता है। दोस्तों आपका ईएलपी की अगर बात करें, ईएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसी दोस्तों आप जेई की बात करें, जेई में आपके 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। ठीक है, तो बच्चा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको विज्ञान चालीसा के क्वेश्चन एक एक घोल के पीना है। साथियों पहले ई बुक आपको दी जा रही थी, पहले आपको ई बुक दी जा रही है, ग्रुप डी का पेपर था जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही थी। ठीक है, बच्चों का दोस्तों काफी मैसेज बच्चों के रहे, सर इसका कंप्लीट वीडियो कोर्स भी लॉन्च कीजिए आप, क्योंकि विज्ञान चालीसा बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फंस रहे हैं। तो वीडियो में दोस्तों क्या होता है, हमें चीजें आसानी होती हैं, इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है ना। कोई भी क्वेश्चन आप फंस गए तो आपने वीडियो देख ली दोस्तों, उसके लिए हमने आपको उसी मूल्य में 30+ वीडियो का पूरा कोर्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब यानी कि दोस्तों आपको ईबुक के साथ साथ कंप्लीट वीडियो कोर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑफर पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इसका प्राइस हाइक हो जाए मे बी। ठीक है, तो साथियों इस विज्ञान चालीसा को ले सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। साथियों इसको ई बुक को आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए, मैंने इसमें दोस्तों बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों में है, या आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, एक आपका दोस्तों बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसको प्रिंट आउट करवाइए, और दोस्तों रोज सुबह उठ के रोज सुबह अपना डिसिप्लिन दोस्तों चीजें कीजिए आप, डिसिप्लिन में आपको करें तभी आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी। रोज सुबह 1 घंटे दोस्तों विज्ञान चालीसा क्वेश्चन जरूर रटो, है ना। साइंस के दोस्तों क्यों आपको याद नहीं होता, साइंस दोस्तों आप एक क्वेश्चन रट लो यार, फिर साला कहां ही क्वेश्चन बाहर जाएगा आपको, 5-6 क्वेश्चन ही तो करने हैं यार, 5-6 क्वेश्चन ही रटने में दिक्कत हो रही है आपको, तो हो गई यार भाई बात। दोस्तों इस विज्ञान चालीसा को आप टॉप 5-6 क्वेश्चन इसको रट लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। दोस्तों जैसे आप हनुमान चालीसा आपको रट गई, वैसे आप विज्ञान चालीसा आपको रट जानी चाहिए यार, है ना। और दोस्तों किसी प्रकार की डाउट हो इस नंबर से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों 100% गारंटी है, सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके सीधे यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड यार क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, है ना। और ई बुक के साथ साथ साथियों आपको इसमें ई बुक तो दी ही जा रही है 199 रुपये में, और साथ ही आपको कंप्लीट कोर्स भी दिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में आपको दिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, फिर आपको शायद कोर्स ना मिले दोस्तों देखने को, है ना। तो दोस्तों बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है, जहाँ पर आपको विज्ञान चालीसा कंप्लीट मिलेगी, कंप्लीट ई बुक और कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई